कार्य न करना जिसके लिए अनुचित प्रश्नों का उत्तरदायी हो। अपना व्यवसाय सुदृढ़ करने के लिए दूसरों को हानि न पहुंचाना और अपने ग्राहकों के प्रति सच्चा, ईमानदार और वफादार होना। अपने किसी भी कार्य को नैतिकता पर शंका होने की स्थिति में अपने ही विरुद्ध निर्णय लेने की क्षमता। मित्रता साध्य है, साधन नहीं। सच्ची मित्रता एक दूसरे के प्रति कार्य में नहीं परंतु सेवा भावना में है। अपने राष्ट्र, राज्य तथा समाज के नागरिक होने में कृतज्ञ होना तथा मन वचन और कार्य से श्रद्धा रखना एवं स्वेच्छापूर्ण अपना समय, परिश्रम तथा अन्य साधनों को देश हित में प्रयोग करना। दुखी जनों से सहानुभूति, निर्बल को बल तथा जरूरतमंदों की सहायता। आलोचना में सावधानी तथा प्रशंसा में उदारता हो। जीवन का उद्देश्य निर्माण है, विनाश नहीं। जय हिंद, जय लायनवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट सीमा गुप्ता। और अब हम धीरे धीरे मुख्य कड़ी की तरफ जा रहे हैं। इस सभा के आयोजक रीजन चेयरपर्सन प्लान डॉक्टर विकास मिश्रा संभवतः आ चुके होंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आज की इस प्रथम बैठक का, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहम रखती है, आए और औपचारिक रूप से हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, अन्य साथियों तथा अपने सदस्यों को सम्मानित करें, स्वागत करें। लाइन डॉक्टर विकास मिश्रा। रीजन चेयरपर्सन लाइन डॉक्टर विकास मिश्रा। डॉक्टर विकास मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, जुड़ जाए। डॉक्टर विकास मिश्रा जी, कृपया अपने को अनम्यूट कर लें आप। जी डॉक्टर मिश्रा जी बोलिए, आप अनम्यूट हो गए हैं। नमस्कार सर, सबको बहुत बहुत हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। आज ये इस COVID-19 के फेज में जो हम लोग फर्स्ट कैबिनेट मीट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे डीजी पीएमजेएफ लाइन डॉक्टर आरकेएस चौहान सर और फर्स्ट वीडीजी लाइन चैतन पांड्या जी, सेकंड वीडीजी सौरभ कांत जी एवं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वास्तव में बहुत टफ फेज है और चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन जिस तरीके से 1 जुलाई से और आज 16 अगस्त, 1.5 महीने में जितने लॉयन बंधुओं ने जिस तरीके से अपने सेवा कार्य किए हैं, अभी जैसे कल 15 अगस्त को भी जो हमारे चैलेंजेस थे, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से पर्यावरण के क्षेत्र में, हंगर के क्षेत्र में, डायबिटीज के क्षेत्र में, जो भी हमारे इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम से उसको ध्यान में रखते हुए जो भी काम किए गए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और आगे भी ऐसी अपेक्षा है कि सबका सबका मनोबल जो है वो ऐसे ही ऊंचा रहेगा और हम सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आगे काम करते रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक जो नया वो आया है, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरीके से मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव इस बात को बताना चाहूंगा कि जब शुरू में बात हुई थी जून लास्ट वीक में, रेस्पेक्टेड डीजी सर जो हमारे थे उनके नेतृत्व में मीटिंग हुई थी, तो हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि मास्क को लेके सोसाइटी में इस तरीके का एक वो रहेगा।
और हम लोगों ने जब शुरू में लिया कि 2000 मास्क बांटे जाएंगे जुलाई फर्स्ट वीक में, ये टारगेट लिया गया था, सबने हम मेरे क्लब से और मेरे अधीन जितने भी क्लब हैं, जोन्स हैं, उन लोगों ने जितने भी काम किए, मैंने पर्सनली तो मास्क जिस तरीके से लोग ले रहे थे जैसे फूड पैकेट ले रहे हैं, उसी तरीके से मास्क भी लोग रिसीव कर रहे थे। मैंने अपने कॉलेज में अपनी क्लिनिक के इर्द गिर्द जो बहुत डिप्राइव्ड क्लास है वहां पर दिया है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जहां पर दो वक्त की रोटी जुटा पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, निचला तबका जो है उसके लिए अपने आप को सुरक्षित रखना, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो मास्क और सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली मास्क का, फेस मास्क का बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि ये प्रक्रिया अभी 4-6 महीने तक चलेगी, ये हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि बीइंग ए लॉयन मेंबर, जो मैं महसूस कर रहा हूँ सोसाइटी में कि लोग कहीं ना कहीं अब हतोत्साहित होने लगे हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बिजनेस जिस तरीके से सफर कर रहा है, तो हम लोगों की ये जो अलग अलग चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ एक जो बड़ी बात है कि हम लोगों की हौसला अफजाई करें कि साहब ये एक फेज है, ये एक समय है, ये धीरे धीरे निकल जाएगा। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो कई सारे ऐसे फोन्स आते हैं, कई सारे लोग जो क्लिनिक पे आ पाते हैं तो नींद हमारी खराब हो गई है, नींद नहीं आ रही है, उलझन हो रही है, क्योंकि ये बात तो सही है कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो अपनी जगह वहीं पर हैं, वो तो कम नहीं हो रही हैं, लेकिन जो हमारी आय के स्रोत हैं वो कम हो रहे हैं। तो शुरू में तो 1-2 महीने 3 महीने लोगों ने किया, लेकिन अब ये लग रहा है कि साहब ये सिलसिला अंतहीन हो रहा है। तो मैं बस केवल यही कहना चाहूंगा कि जो भी सर्विस प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, हम उनका मोरेल ऊंचा रखें, उनकी मनोवृत्ति को, उनके मानसिक बल को भी हम बढ़ाते रहें कि साहब आप, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप मनोबल मत गिराइए, क्योंकि अगर किसी का मनोबल गिर गया तो आप कुछ भी कर लें उसे उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू लायन सौरभ कान जी, आपने मुझे समय दिया कुछ बोलने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास मिश्रा, आपने समय का बहुत ही उपयोग किया, अभिनंदन के साथ साथ आपने अपने मन की बात भी कह दी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सर्वप्रथम मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगी समस्त डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए गोरखपुर, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर और अन्य जगहों से जुड़े हुए जितने भी लाइन मेंबर इस सभागार में उपस्थित हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करूंगी। स्वागत के औपचारिकता को निभाते हुए डॉक्टर विकास मिश्रा ने बहुत सी बातें कही जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन मैं अनुरोध करूंगी अब अपने मंडलाध्यक्ष महोदय से कि कृपया वो आए और जो वर्तमान समय हमारा चल रहा है उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ने की अनुमति दें और इस सभा का आयोजन शुरू करें। डॉक्टर आर के एस चौहान। धन्यवाद सुधा जी। सभी जो लोग आज आए हुए हैं, 127 लोग हैं अभी तक, और उम्मीद है कि अभी लोग जुड़ेंगे। जैसा कि सुबह ही मैंने जिन लोगों को फोन किया, काफी लोग बीमार हैं। हमारे प्रथम मंडलाध्यक्ष तो कई हफ्तों से बीमार हैं, हमारे डॉक्टर आनंद जी कई हफ्तों से बीमार हैं और अब तो उनकी जांच भी पॉजिटिव आ गई है। तो इस तरह मिला जुला के बहुत से लोग हैं जिनके नाम लेना, ये प्रमुख लोग थे इसलिए नाम ले लिया, अभी और लोग जुड़ेंगे। मैं सभी अपने जो लोग आए हुए हैं सबका स्वागत करता हूं, खास तौर पे हमारे जो आज इनॉग्रेशन अफसर हैं जगदीश गुलाटी जी, हमारे वो संरक्षक हैं और बिना उनके हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। जब भी हम लोग उनसे कोई बात करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो उसे मान लेते हैं। अभी उनका चुनाव चेयरपर्सन, ये जो मैगजीन है हमारी इंटरनेशनल की, उसके चेयरपर्सन के रूप में हुआ है और जल्द ही अभी वो कुछ आगे इसमें काम करने वाले हैं। उनका स्वागत
अभिनंदन। फिर हमारे बहुत ही डैशिंग एमसीसी महोदय जो अभी हमारे आईपीडीजी भी हैं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन। वो भी हमको बहुत अच्छी तरह उपलब्ध हो जाते हैं, आज कहीं वो बिजी थे, हो सकता है जुड़ भी गए हों अभी वो, और जुड़ गया जुड़े तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं, मैं हूँ आपकी मीटिंग में। अच्छा, थैंक यू, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार आपको, भाभी जी को और सेक्रेटरी साहब को। फिर हमारे जो नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे प्रथम मंडलाध्यक्ष उप मंडलाध्यक्ष अपने पांड्या जी, चेतन पांड्या जी आ गए। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको ठीक होके आने की, धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, और जितने खूबसूरत हैं इतने ही खूबसूरत आप बने रहे हमेशा। तीसरी हमारी जो हस्ती है हमारे वीडीजी टू, बहुत यंग, एनर्जेटिक, नॉलेजेबल, और वो हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं और उसका संचालन भी ज्यादातर वही करते हैं। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उनकी तारीफ करता हूं, और आगे आने वाले समय में जैसे मैं तीनों लोगों को, वो तीनों लोग मुझसे छोटे हैं, क्षितिज जी, चैतन्य जी और सौरभ कांत जी, ये तीनों लोग बहुत आगे तक जाने की मैं अपने दिल से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। फिर इसके बाद जो हमारी कैबिनेट है, जिसमें मेरे बगल में ही बैठे हैं अजय मेहरोत्रा जी, जो मेरे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, अनिल रस्तोगी जी भी आज आपके सामने कुछ प्रस्तुत करेंगे हमारे दोनों लोग। आज जो एक प्रमुख व्यक्ति हमारे से नहीं जुड़ पाए, हमारे जो पीआरओ हैं वो भी बेचारे बीमार हो गए, सुबह सुबह बात हुई, तो मेरी शुभकामना है उनके लिए कि वो जल्दी ठीक होके हम लोगों के साथ आए। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं मिश्रा जी, और हमारे जो आज अभी जुड़ गए होंगे शायद, जो हमारे LCIF कोऑर्डिनेटर हैं SK तिवारी जी, उनका स्वागत और अभिनंदन मैं करना चाहूंगा। अभी आगे आने वाले समय में SK तिवारी जी आपको काफी कुछ MGF के बारे में बताएंगे, और आपसे अनुरोध भी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा MGF बने। फिर आगे जो है हमारे GAT टीम है, GAT टीम में हमारे बब्बू भैया जुड़ गए हैं मोस्ट प्रॉब्ली, और उनका स्वागत अभिनंदन। बहुत कुछ संभाले हुए हैं वो, बुजुर्ग भी हैं और हमारे अभिभावक भी हैं वो भी, वो जो जो कहते जाते हैं होता जाता है, और 11 अध्याय तो हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं उन्हीं के छत छाया में, और आज हम लोग फर्स्ट कैबिनेट भी दुर्भाग्य से वर्चुअल कर रहे हैं। आगे मैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सेकेंड कैबिनेट होगी, इंस्टॉलेशन होगा, वो फिजिकल होगा, क्योंकि 3 महीने बाद हम लोग सोच रहे हैं उसको करने की बात। हमारे आनंद जी भी बीमार हैं, आज नहीं जुड़ पा रहे, वो भी पॉजिटिव हैं, ईश्वर उनको जल्दी ठीक करे। हमारे नरेंद्र मेहता जी आज आपके सामने काफी चीजें रखेंगे। PDG हमारे दीपक भाई, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। फिर हमारे, मेरे बड़े भाई और हमारे सबके बड़े भाई, हमारे PDG जो भी हैं, सब लोग, नाम लेना इतने लोगों का संभव नहीं है, अभी शायद 2-4 लोगों का नाम अभी मैं आगे पढ़ूंगा जो कैबिनेट में मेरी है, तो उन सबको मेरा प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं, वो दीर्घ जीवी हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सौभाग्यशाली रहें। हमारे जो हैं
कैबिनेट के जितने भी मेंबर हैं, अभी उनका नाम मैं लूंगा जो प्रमुख मेंबर है मेरे, हमारे रीजन चेयरपर्सन बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, जोन चेयरपर्सन बहुत ही बढ़िया, सभी का नाम अभी लूंगा मैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के रीजन और जोन का नाम लूंगा, हमारे जो कैबिनेट चेयरपर्सन हैं प्रमुख प्रमुख उनका भी नाम लूंगा मैं, हमारे जो पीएसटीज हैं, जो नई टीम आई है पीएसटीज की, सभी लगभग मुझसे बात करते रहते हैं, मैं उनको सुझाव देता रहता हूँ, उनसे सुझाव लेता रहता हूँ, सभी जिनकी वजह से ये हमारा इतना मजबूत 3-2-1 ही है, वो सारे मेरे लॉयन ब्रदर्स, एक एक लॉयन ब्रदर जिस तरह काम कर रहे हैं इस समय, चाहे वो किसी पद में हो ना हो, और हमारी लॉयन भाभियां, उन सबको मेरा प्रणाम और स्वागत अभिनंदन। आप लोग हमेशा खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें लॉयनिज्म के क्षेत्र में, आप सारी ट्रेनिंग आप देख ही रहे हैं, आप लोगों को ज्ञानवर्धन इस बार बहुत ज्यादा हुआ है, अभी तक हम लोग 144 लोग जुड़ चुके हैं। अब जो है मैं, जो हमारे पांच प्रमुख हमारे जो क्षेत्र हैं कार्य क्षेत्र इंटरनेशनल के, विजन जिसके चेयरपर्सन हैं डॉक्टर संजय तिवारी, एनवायरनमेंट, ये लोग अभी बोलेंगे, आगे कुछ आपको सुझाव भी देंगे, सतीश टंडन जी हंगर में, संगीता अग्रवाल जी डायबिटीज में, मिथिलेश अग्रवाल जी और पीडियाट्रिक कैंसर में, दिव्या जी, इन सभी लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना है और इस डिस्ट्रिक्ट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रमुख कैबिनेट के लोग हैं, ज्यादातर लोगों को आप उनके बारे में बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही वो मुझसे भी ज्यादा पॉपुलर हैं वो लोग। हमारे वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर फर्स्ट चैतन्य पांड्या जी, वाइस सबसे पहले नाम मैं लेना चाहूंगा, हमारे जो एमसीसी चेयरपर्सन है क्षितिज शर्मा जी, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चैतन्य पांड्या जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर टू सौरभ श्रीवास्तव जी, इन सबका नाम मैं करीब करीब बोल ही चुका हूं। अब जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी एमएमआर मारवाहा जी भी जुड़े हैं, धीरेन्द्र शंकर मिश्रा और सुधीर भल्ला जी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट ट्रेजरार जो हैं एडिशनल कैबिनेट ट्रेजरार इंदर मध्यान जी, कैबिनेट ट्रेजरार एडिशनल जो हमारे हैं ऋषि जायसवाल जी, एडिशनल कैबिनेट पीआरओ प्रदीप उपाध्याय जी, तीनों लोगों का मैं नाम गेट के लोगों का ले चुका हूं, हमारे मेयर जो है अनिल जायसवाल लाला भैया बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, हमेशा डिस्ट्रिक्ट के लिए खड़े रहते हैं पैसे से, शरीर से, मन से, जो हमारे ऑब्जर्वर हैं सैयद मोहब्बत मुस्तफा जो जौनपुर से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो अभी भी आज भी हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं। चीफ एडवाइजर हमारे मित्र बड़े भाई राजेंद्र गुप्ता जी लाजवाब हैं, जो हमेशा खड़े रहते हैं, एवरीबडी नोज इट। एडवाइजर सुनील दुबे जी, अभी पिछली बार प्रभात जी के साथ ट्रेजरार थे वो, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साउथ में गोपाल सिंह जी भी बहुत ही एक्टिव हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलाहाबाद से हैं अर्पण धर दुबे, मेरे छोटे भाई डॉक्टर बहुत काम करते हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन भारत भूषण जी बनारस से बहुत ही पुराने लॉयन हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पे रह चुके हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जौनपुर राजश्री नैयर शर्मा जी जो हमारे एमसीसी जी की अर्धांगिनी है, बहुत एक्टिव हैं, वो भी बहुत काम करती हैं, नए क्लब खोलने में हमारे क्षितिज जी की बहुत मदद करती हैं, एम्बेसडर ड्यूटी जी प्रकाश जी टंडन लाजवाब इंसान बनारस से जो है
बिलोंग करते हैं और वो एमजे अब बनाने में बहुत आगे हैं, आगे भी बना के देंगे इस साल भी, वो उन्होंने वादा किया है। लेफ्टिनेंट डीजी साउथ से ब्रजेश तिवारी जी, वो भी जुड़े हुए हैं, ओबरा के हैं, बहुत अच्छे नेता भी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हमारे रमेश काबरा जी भूतपूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, मेरी हमेशा मदद की उन्होंने और वो भी एमजीएफ बनाने में बहुत मदद करेंगे। मल्टीपल पीआरओ लॉयन मुस्तफा नकवी जुड़े होंगे अगर तबीयत उनकी ठीक होगी तो। एक्सटेंशन टू वीडीजी वन लॉयन अजय अग्रवाल जी और एक्सटेंशन टू वीडीजी टू आशीष अग्रवाल जी, दोनों लोग अपने अपने पदों पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। लॉयनेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी मधुवाला श्रीवास्तव जी बहुत एक्टिव हैं और हमारी लियो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेघना सेठी जी बहुत ही एक्टिव हैं। $100 जो जिसमें पिछली बार बहुत कुंवर बिंगम सिंह साहब ने किया था, मोस्ट प्रॉब्ली अभी जुड़ गए होंगे और हम लोग हम उम्र हैं और बहुत वो मेरी मदद करते रहते हैं, उनके उनको भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, स्वागत करूंगा। एक्सटेंशन टू डीजी ये मनीष गुप्ता जी हैं, ये हमारे जौनपुर से आगे आने वाले समय में भी बहुत आगे जाएंगे। ये हमारी जीएमटी फैमिली एंड वुमेन स्पेशलिस्ट हैं, हमारी भाभी जी गीता गुलाटी जी हमेशा मौजूद रहती हैं और गुलाटी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर आगे उनको बढ़ने में मदद करती रहती हैं। LCIF जोन कोऑर्डिनेटर हमारे दीपक सोनी जी हैं इलाहाबाद से, रीजन एडमिनिस्ट्रेटर नवनीत लाल टंडन जी हैं, जोन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ही क्लब के डॉक्टर एडी दुबे बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत पुराने लॉयन हैं, और जो डीजी ऑनरेरी कमेटी के चेयरपर्सन हैं हमारे छोटे भाई प्रकाश अग्रवाल जो बनारस से हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि इस बार वो $100 में भी काम करेंगे और एमजीएफ बनाने में भी बहुत मेहनत करेंगे। इसके बाद मैं चाहूंगा अपने जो हमारे रीजन पर्सन है पूरे डिस्ट्रिक्ट के, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। सब लोग जुड़े हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। इलाहाबाद से अनुपम सोती जी, डॉक्टर विकास मिश्रा जी से अभी आप सुन ही चुके, डॉक्टर सविता अग्रवाल, लॉयन मनोज खरे, लॉयन नीरज मेहरोत्रा, लॉयन संजय अग्रहरी ये बनारस से हैं, लॉयन सोमनाथ सिंह बनारस के ही हैं, लॉयन संजय जायसवाल, लॉयन समीर बोस, लॉयन रवि शंकर तिवारी जी, लॉयन अनूप जायसवाल जी, लॉयन अशोक मौर्य जी जौनपुर से हैं, लॉयन डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा जी प्रतापगढ़ से हैं, लॉयन बिमल प्रताप चौकसे जी ओबरा से हैं, लॉयन सीताराम सिंह जी रेणु सागर से हैं, ये सब लोग जुड़ गए होंगे मैं श्योर हूँ, लॉयन संतोष कुमार गर्ग जी गोरखपुर से। इसी के साथ अब मैं अपने जो हमारे जोन पर्सन हैं उनका भी मैं सबका नाम लेना चाहूंगा, वैसे ये लोग भी बहुत काम कर रहे हैं। इलाहाबाद से देखिए पीके सिंह जी हैं जो बहुत मेरी मदद कर रहे हैं, लॉयन अलका जायसवाल जी बहुत काम कर रही हैं, अनिता जी अनिता अग्रवाल जी हमारे इलाहाबाद के सबसे बड़े क्लब की ये प्रेसिडेंट तो बहुत पहले थी, इस बार मेरे अनुरोध पे ये बनी है जोन और बहुत काम कर रही हैं। मैथिली सिंह जी लाजवाब है ये, इनका क्लब जो है वो बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है। देवव्रत आर्या जी अभी थोड़ा बीमारी से ये भी उठे हैं, राजकुमार जायसवाल जी, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, आभा सिंह जी जो हमारे पीके सिंह जी की वाइफ हैं, कल ही हम लोग एक साथ थे झंडारोहण में, प्रदीप वर्मा जी ये बनारस से, मोइन खान जी, अशोक वर्मा जी, डॉक्टर कृष्णानंद जी, लॉयन विजय सिंह जी, लॉयन मीना त्रिपाठी जी, लॉयन डॉक्टर सुधीर सिंह जी, लॉयन डॉक्टर निजा चौधरी जी, लॉयन राहुल गुप्ता जी, लॉयन नीलेश रंजन जी, लॉयन दिनेश जायसवाल जी,
लॉयन अनिल कुमार सेठ जी, लॉयन हरेन प्रताप सिंह जी, लॉयन राजेश खंत्री जी, लॉयन राम कुमार साहू जी, लॉयन राजीव श्रीवास्तव जी, लॉयन पुष्पांजलि शुक्ला जी, लॉयन अमित सेठ जी, लॉयन संजीव कोहली जी, लॉयन मुकुंद गुप्ता जी, लॉयन विनय कुमार श्रीवास्तव जी, ये मुकुल गुप्ता जी हैं जिनका नाम मैं शायद मुकुल भाग गया हूँ, लॉयन विजय बहादुर गुप्ता जी। तो ये सब हमारी जो टीम है पूरी, जितनी भी मैंने बताई, सब लोग लाजवाब हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और हम फिर से अपने मल्टीपल में ही नहीं, वर्ल्ड में हमारा स्थान हो, जो कार्य हमारे प्रभात चतुर्वेदी भाई साहब ने और क्षितिज भाई साहब ने किया है, इसको हम लोग और आगे तक ले जाएं। अभी मैं चाहूंगा कि जो हमारा टारगेट है वो मैं सबके ऊपर छोड़ता हूं, जो लोग आएंगे वो अपना अपना टारगेट बताते जाएंगे। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस टारगेट को पूरा करने में हमारे सभी चेयरपर्सन, हमारे सभी मल्टीपल कोऑर्डिनेटर सब लोग सहयोग दें, पूरी टीम, प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी की, सारी टीम हमारा सहयोग करे। अब मैं अपना माइक फिर से सुधा जी को सौंपता हूं। धन्यवाद मंडलाध्यक्ष महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगी कैबिनेट सेक्रेटरी लायन अजय मेहरोत्रा जी से कि वो, अब तक उनके पास लिस्ट आ गई होगी सदस्यों की उपस्थिति के विषय में बताएं और अपने आगे कार्यक्रम जो है क्लबों के स्थिति को उल्लेख करें। लायन अजय मेहरोत्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा बहादुर जी, इस सुंदर सभा के चीफ गेस्ट डॉक्टर आर के एस चौहान PMJF, गेट एरिया लीडर जगदीश भैया, गेट कोऑर्डिनेटर मुकुंदलाल टंडन जी, MCC डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी और डिस्ट्रिक्ट VDG1 चैतन पांड्या जी, VDG2 और हमारे इनर कैबिनेट के सभी ट्रेजरार अनिल भैया, ऋषि सेठी, PP मारवा, रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन और सभी लाइन साथियों, आपको ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि सेवा कार्य में हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर अभी चल रहा है। तो ये नंबर 1 पर चल रहा है तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की वजह से नहीं चल रहा, ये सब आप लोगों की देन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो खाली गाइड करते हैं लेकिन कार्य आप लोग सब लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रिक्ट 3-2-1 ही नंबर 1 पे चल रहा है। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये नंबर 1 पर बराबर चलता रहे। और डोनेशन के मामले में भी हम लोग नंबर 1 पे चल रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लोग डोनेशन में कहीं से पीछे नहीं रहते हैं, तो हमको आगे चलना है और आने वाले समय में हमको बढ़ चढ़ करके काम करना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे क्लब जो है वो शुरू से कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैथिली जी हैं उनका क्लब है, ये तो पूरा महीने जो है डेली एक ना एक कार्य करते रहते हैं। और जो भी कार्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वो सब आप लोगों की देन से हो रहा है और हमको बढ़ चढ़ करके काम करते रहना है। इसको हमारी स्पीड जो है वो इसमें कहीं से कमी नहीं आनी देनी चाहिए, क्योंकि तो अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा तो आप सबका नाम होगा और गवर्नर साहब का नाम होगा और हम लोग आगे से आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। क्या लिखा
अकेडमी बड़ा था। सुधा जी सौरभ जी आप संभाल ले, शायद सुधा जी डी लिंक हो गई। लाइन अनिल कुमार रस्तोगी कोषाध्यक्ष। धन्यवाद सुधा जी, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हमने कहा धन्यवाद सुधा जी, नमस्कार भाई साहब। आ रही है। मैं डॉक्टर आर के एस चौहान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं प्रथम महिला भाभी माधुरी जी, डॉक्टर छुट्टी शर्मा इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमसीसी एमडी 321 लाइन डॉक्टर जगदीश गुलाटी गेट एरिया लीडर लाइन चैतन्य पांड्या वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रथम लाइन सीए सौरभ खान वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय लाइन अजय मेहरोत्रा मंडल सचिव लाइन ऋषि सेठी मंडल पीआरओ तथा सभी उपस्थित पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रीजन एवं जोन चेयरपर्सन तथा उपस्थित सभी लाइन साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर चौहान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना जिम्मेदारी भरा पद पे हमें मनोनीत किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस कोविड में सभी स्कूली एवं ट्रेनिंग वर्चुअल कराई, जो बहुत ही सफल रही, जिसमें उपस्थिति यह बताती है कि डॉक्टर चौहान सबके चहेते मंडलाध्यक्ष हैं। आज इसी क्रम में प्रथम कैबिनेट मीटिंग भी वर्चुअल हो रही है, में हमें प्रपोज बजट पेश करना है। मैं सौरभ खान जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया बजट को स्क्रीन पर शेयर करने की कृपा करें जी, ताकि सब लोग उसे देख सके जी, और उसको पास करना की कृपा करें। अनिल जी अगर हो सके तो बजट के प्रोविजन जो है आप पढ़ दें, उचित रहेगा। नहीं, इसको पढ़ देना अच्छा रहेगा, सारे कॉलम्स को एक एक बार पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है, फिगर्स क्लियर नहीं आ रहे हैं। अनिल
यार क्या बताएं हमको। ये बंद हो गया यार बिल्कुल पूरा, तो देखो कहां से करें इसको। आवाज नहीं आ रही है, इसकी आवाज नहीं आ रही। नो साउंड। हाँ जी, कोई की भी नो साउंड, नो साउंड। कोई जायज पे बैठा है उसकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, आवाज बहुत फट फट के आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और कोई कोई अभिभाषण ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है जी। कैबिनेट के द्वारा सर आवाज नहीं आ रही है। अनिल आपकी आवाज भी साफ आ रही है, प्लस आपने जो इसमें प्रिंट किया है उस पिक्चर एकदम पर नहीं है, आप बढ़िया फोटो खींच के प्रिंट करिए। ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये जो आपने भेजा है एकदम पढ़ने में नहीं आ रहा है। कैबिनेट से निवेदन है कि उसको पढ़ दें, उसको पढ़ दें तो लोग देख नहीं पा रहे हैं। सर अरे लिस्ट को पढ़ दीजिए, किसी को सुना तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है, टाइपिंग सही नहीं है। किसी को पढ़िए, पढ़ के बताइए, किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसको पढ़ दीजिए, इसको पढ़ दीजिए। हाँ पढ़ दीजिए, सब समझ लेंगे। बड़ा करने बाद में, बाद में इसको ग्रुप में डिस्प्ले कर दीजिएगा लिस्ट को। क्लियर है, कॉपी और स्क्रीन भी वो क्लियर है। अभी जो लोग ऑनलाइन है इसकी फोटो खींच ले, फिर आराम से इसको देख के डिस्कस कर लेंगे। प्रकाश भैया हमने स्क्रीनशॉट लिया, मगर वो जब इसको बड़ा कर रहे हैं तो क्लियर फोटो नहीं आ रही है। हो सकता है, हो सकता है छोटा छोटा है ना इसलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, सही बात है। एक बार सब लोग प्यार से बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए थोड़ा नेटवर्क सही हो जाएगा तो। तब तक आप किसी दूसरे को दे दिए, तब तक ये सेट कर ले, मीटिंग में ब्रेक ना करें। तब तक ये सेट कर ले, तब तक आप आगे इसको एजेंडा ले जाइए। कैबिनेट तेजराज साहब इसको पढ़ दीजिए। हाँ जी, इसको पढ़ दीजिए, आगे एजेंडा ले जाइए, बाद में इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ लें, सब कुछ सुनाई दे रहा है, आवाज तो आ रही है सबके सामने। बाकी लोगों की तो आवाज आ रही है, सबको म्यूट करिए तब तो उनकी आवाज आएगी। मगर होस्ट महोदय सबको म्यूट करिए, सब लोग बीच में आवाज कैसे आएगी सर। नहीं आ रही है आवाज नहीं। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ट्रेजरर महोदय अभी अपनी डिटेल्स दे देंगे, तब तक मैं एजेंडा को आगे ले जाना चाहती हूँ। जी जी, अनुरोध करूंगी रीजन चेयर पर्सन एवं जोन चेयर पर्सन से कि अगर वो अपनी आगे लेना चाहते हैं तो बहुत संक्षिप्त में आके दे दें। एक प्रार्थना विनम्र निवेदन मेरा है कि मंच से समस्त लोगों का नाम अगर बुला के अभिनंदन न करें, क्योंकि हम लोग सब रूबरू हैं और एक दूसरे का अभिनंदन फॉर्मल हो चुका है। कृपया आए जी। एक मैडम चाहेंगे आपसे। जी जी हाँ, हम ये चाह रहे थे इसको बात को व्हाट्सएप कर दिया जाए, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा।
जी इसीलिए मैंने एजेंडा आगे बढ़ा दिया है। बजट तो पास कैबिनेट में होनी है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बजट पास कैसे होगा? घर में बाद में थोड़ा पढ़ा जाएगा। बजट तो इसी कैबिनेट मीटिंग में पढ़ा के फिर से पास होना है भाई। पास कराइए इसको, रीड करके चलिए बाद में पढ़ के पास करवाइए ना। हम पढ़ रहे हैं सुधा जी। हाँ पढ़िए। हाँ पढ़ रहे हैं। रिसीप्ट में डिस्ट्रिक्ट यूज 200 रुपए। बोलिए अनिल भाई, कृपया इसको हटा दीजिए, ये चार्ट हटा के खाली नहीं है। पिक्चर के लिए जो आपने बजट आया इसके सौरभ जी इसको हटा दीजिए। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट यूज 200 रुपए, नंबर ऑफ क्लब 2992, अमाउंट आता है 5,98,400, मल्टीपल यूज 80 रुपए, 2992, अमाउंट आया 2,39,260, आईसीसी यूज 102, तो मल्टीप्लाई 2,992, अमाउंट आता है 3,05,184, इंटरनेशनल कंसेनन 2022, 100 रुपए, 2,992 मल्टीप्लाई 2,99,200, स्कूली 300, टोटल 93, अमाउंट 27,900। सब बढ़िया बना के डायरेक्टरी 1,00,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन कैबिनेट इंस्टॉलेशन 1,500 रुपए पर मेंबर, 350 मेंबर के 5,25,000, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस 1,200 रुपए, 300 मेंबर 3,60,000, ट्रेनिंग वर्किंग पब्लिक सेमिनार 1,00,000 रुपए, एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड फ्रेंड्स 10,10,000, टोटल आता है 35,65,044 रुपए। खर्चे में कैपिटल इंस्टॉलेशन 6,00,000 रुपए, मल्टीपल ड्यूज 2,39,350, आईसीसी आई ड्यूज 3,05,184, इंटरनेशनल कनेक्शन 2022 2,99,200, स्कूलिंग 10,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 90,000, पोस्टेज एंड कोरियर 85,000, फोन एंड मोबाइल रिचार्ज 22,310, सैलरी कंप्यूटर ऑपरेटर 84,000, सैलरी ऑफिस असिस्टेंट 80,000, पिन एंड बैनर्स 4,00,000, अवार्ड एंड गिफ्ट्स 2,00,000, पब्लिकेशन में पब्लिक एलमनक 3,25,000, मंथली न्यूज लेटर 1,75,000, ट्रेनिंग वर्कशॉप सेमिनार 2,00,000, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस 4,50,000, टोटल आया 3,35,65,044 रुपए। एक्टिविटी अकाउंट LCCI $1 75 मल्टीप्लाई 2,992 2,24,400, न्यू MJF 75,000 मल्टीप्लाई 15 MJF का टारगेट है तो 11,25,000, कंपेन 100 1,50,000, LCIF कोऑर्डिनेटर MJF 1,00,000, फंड रेजिंग 1,00,000, एक्सपेक्टेड
फाइनेंशियल सपोर्ट 2 लाख, टोटल आया 18,99,400। LCIF डोनेशन 2,24,400। LCIF 1,12,500। LCIF कैंपेन 100, 1.5 लाख। लियो 10,000, लाइनेस में खर्चा 10,000 और अदर सर्विस एक्टिविटीज 3 लाख। MJF ऑनरिंग 80,000, टोटल आया 18,99,400। इस तरह के बजट ये है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ रस्तोगी साहब, कुछ पूछना चाह रहा था मैं, लाइन रस्तोगी जी। हाँ जी बोलिए सर। मैं डॉक्टर क्षितिज शर्मा बोल रहा हूँ। आपने ओपनिंग मेंबरशिप क्या दिखाई है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की? हाँ जी। कितने मेंबर पे आप दिखा रहे हैं ड्यूज? 2,900 कुछ मेंबर गिन रहे हैं। 2,992 मेंबर है। सर एक जुलाई को मैंने 3,042 मेंबर पे छोड़ा है क्लब डिस्ट्रिक्ट। यस सर, तो 3,042 मेंबर पे आपको सारे कैलकुलेशन करने होंगे, 2,900 पे आप नहीं कर सकते हैं। यू आर राइट सर, एक जुलाई का जो मेंबरशिप होगा उसी पे कैलकुलेशन करना। हां तो 1 जुलाई की मेंबरशिप डिस्ट्रिक्ट की 3,042 है। यस सर, यस सर, ठीक है सर, सही है। इसको आप उसके हिसाब से संशोधित कर लीजिएगा। 2,992 की जगह पे 3,042 मेंबर पे आप अपने ड्यूज कैलकुलेट करिएगा। अच्छा जी। और दूसरा, एक संक्षेप में आप ये बता दें कि टोटल ड्यूज आप एक क्लब से मेंबर क्या ले रहे हैं? आपने पूरा डिस्ट्रिक्ट का बजट पढ़ दिया तो पर मेंबर, प्रत्येक मेंबर से आप कितना ड्यूज ले रहे हैं? ये 597 रुपए पर मेंबर हो रहा। तो पिछले साल 532 था, तो 532 में 97 जो आपने बढ़ा दिया है वो 65 रुपया कहाँ बढ़ा है? ये एक तो मल्टीपल ड्यूज पिछले बार 60 रुपए था, इस बार 80 रुपए है। नहीं मल्टीपल अजय भैया, मल्टीपल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मल्टीपल चेयर नहीं, मल्टीपल से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मल्टीपल में जो ड्यूज लास्ट ईयर थे वही ड्यूज इस साल भी है। मल्टीपल में जो ड्यूज पिछले साल थे वही ड्यूज इस साल भी है। मल्टीपल में कोई बढ़ाया नहीं गया ड्यूज, ड्यूज क्यों बढ़ गया है? डॉलर का तो नहीं बढ़ा। मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। मल्टीपल के ड्यूज बहुत सिंपल है सौरभ भाई, अगर आप सबको म्यूट कर देंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। सौरभ भाई मेरी बात सुन रहे तो म्यूट कर दीजिए सबको, मैं एक मिनट बता दूं। देखिए मल्टीपल का ड्यूज बहुत सिंपलीफाई कर दिया गया है। 80 रुपया मल्टीपल को मिलता है एक मेंबर से, और उसके बाद जो है 110 रुपया LCI कौन, जो 2022 में LCI कौन हो रही है, ये आप देते हैं 110 रुपया LCI कौन के लिए, 2022 तक ये ड्यूज लागू रहेंगे। 72 रुपया आप देते हैं LCCIA लायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन के लिए। तो 182 रुपया जो है आप मल्टीपल में दे रहे हैं जो कि हमको आगे दे देना है। 80 रुपया जो आप दे रहे हैं वो मल्टीपल के खर्च के लिए आ रहा है। तो मल्टीपल का खर्च जो है 262 रुपया पिछले साल भी था, 262 रुपया इस साल भी है। इसके अलावा जो है प्रत्येक क्लब अपने ट्रेनिंग के हिसाब से 250 रुपया देगा पर क्लब। तो मल्टीपल का जो आपको ड्यूज बनेगा वो 262 रुपया पर मेंबर और 250 रुपया पर क्लब बनेगा। यही पिछले वर्ष भी था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यदि मल्टीपल के ड्यूज में परिवर्तन नहीं है तो 65 रुपया डिस्ट्रिक्ट ड्यूज क्यों बढ़ गया, इसका हम इसकी जानकारी चाह रहे हैं। प्रस्तुति जी आप अपने को अनम्यूट करके जवाब दें, या फिर सचिव महोदय या फिर मंडलाध्यक्ष महोदय इस पर दोबारा चर्चा करके दोबारा एक बजट जो है उसको फिर
संशोधित बजट पेश करने की कृपा करें। सर इस बार बजट शुड बी प्रेजेंटेड इन द हाउस सर। सर इस बार एजेंडा को थोड़ा आगे ले जाइए, क्योंकि बजट बढ़ाना इस ऐसे मौसम में बजट बढ़ाना जो है ठीक नहीं है। गवर्नर साहब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ इस पे कहना चाहता हूँ। हाँ सर जी बताइए प्लीज। डॉक्टर साहब जैसा आपने कहा जो मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है रस्तोगी जी के बताने में कुछ गलती रही हो। रिस्ट्रिक्ट ड्यूज लिखा हुआ है 200 रुपए, मल्टीपल ड्यूज 80 रुपए, LCCI ड्यूज 102 रुपए और इंटरनेशनल कन्वेंशन का इन्होंने लिखा है 100 रुपए। टोटल हो रहा है 482 रुपए टोटल ये हो रहा है, प्लस 75 रुपए LCIF मेंबर है। तो ख्याल से कोई ड्यूज में बढ़ोतरी मुझे नहीं समझ में आ रही। बाकी इसको कोषाध्यक्ष महोदय या मंडलाध्यक्ष महोदय जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसमें मुझे कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही। मल्टीपल ड्यूज आ रही है जी जी 80 रुपए मल्टीपल ड्यूज, 102 रुपए LCCI ड्यूज, 100 रुपए इंटरनेशनल ड्यूज, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2022 का ड्यूज। हाँ इसमें थोड़ा चेंज है, उसको थोड़ा चेंज करवा दीजिएगा सौरभ जी। जी LCI कौन 110 रुपया है, 102 लिखा है इसमें, 110 होना है, उसको करेक्ट कर लीजिए, 110 कर लीजिए LCI कौन। ठीक। और LCCIA जो है वो 72 रुपया है। 72 हाँ, तो इसी में कुछ मिसमैच है। तो 110 और 72 यहाँ पे आ गया, 80 रुपया मल्टीपल का हो गया, 250 रुपए प्रति क्लब जो है वो अलग से जाएगा। खाली 5 रुपए आपका ड्यूज बढ़ा है डॉलर रेट के बढ़ने से, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने 70 रुपए LCIF के लिया थे, इस साल आप 75 रुपए ले रहे हैं। बिल्कुल। तो 532 की जगह पे 537 रुपए आप लेंगे, न कि 597। ये चीजें क्लियर हो गई। कैबिनेट रिजर्वर साहब चाहें तो इसको रिवाइज अभी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे ये काम खत्म हो। इसको आगे पोस्टपोन करना मेरे समझ से बहुत उचित नहीं होगा। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। सौरभ जी आप उसको समराइज कर दें और फिर हम लोग अगला एजेंडा ले लें। समराइज कर दिए कि ये एजेंडा पास हुआ, हाउस से परमिशन ले लीजिए, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसमें अपना ऑब्जेक्शन चैट बॉक्स में डाल देगा जी, जी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आता तो हम लोग नेक्स्ट एजेंडा ले आगे बढ़े। यदि गवर्नर साहब की अनुमति हो तो मैं डॉक्टर साहब के आदेशानुसार इसको पुनः आपके समक्ष एक बार केवल ड्यूज का पोर्शन प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मेंबर्स से लेना है। अगर कहीं कोई गलती हो सौरभ भाई जी, आप अगर किसी को किसी चीज पे एतराज है तो उनसे कह दिए, एतराज उनका माना जाएगा। अच्छा ये तो प्रपोज बजट है हमारा। जैसे अभी हमने दो काम किए जी, जो भी नए क्लब खोल रहे हैं उनका डिस्ट्रिक्ट ड्यूज हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है जी, जी। जो नए क्लब जैसे अभी एक रेनबो खुला है प्रयागराज रेनबो, इसका हम लोग कोई डिस्ट्रिक्ट ड्यूज नहीं लेंगे। ठीक है गवर्नर साहब, इसको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ एक बार। तो अगर किसी को किसी बात पे एतराज है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ये प्रपोज बजट है, ये कोई फाइनल बजट तो है नहीं। इसको अगर ये लोग पास कर देते हैं तो फाइनल बजट तो हम अपने जो हमारा लास्ट पीरियड होगा सर, जून सर, में हम इसको चौहान सर, जून में सर स्टेटमेंट आ चुका होता है। चौहान सर बजट को यही एक्सेप्ट कराना होगा, बजट यही एक्सेप्ट होगा, बजट ही एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। ये तो बजट यही एक्सेप्ट होगा, आज तो बजट हमको पास ही करवाना है। इसमें जो चौहान साहब पास करने के लिए इसका करेक्शन जो सौरभ कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, सौरभ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वही वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, सौरभ से ही कह रहा हूँ जी जी। धन्यवाद, ठीक कह रहे हैं आप, धन्यवाद। और आप इसमें करेक्शन कर दीजिए आप, सौरभ प्लीज डू इट। थैंक यू प्लीज सौरभ जी, सौरभ जी नेक्स्ट एजेंडा आप इसको करेक्ट करके प्रोड्यूस कर दीजिए हाउस के सामने, लेट द हाउस कंसीडर इट जी, दैट्स बेटर। डिस्ट्रिक्ट ड्यूज 200 रुपए है और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया हमारे काउंसिल चेयरमैन साहब ने, मल्टीपल के सारे शुल्क मिला के तीनों शुल्क 262 रुपए होते हैं, वो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है। और साथ ही जो हमारा LCIF कंट्रीब्यूशन पर मेंबर $1.75 इस बजट इस साल डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से 75 रुपए है, तो यही टोटल ड्यूज है जो पहले था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 262 200 और 75 प्लस जैसा हमारे चेयरमैन काउंसिल चेयरमैन साहब ने बताया कि स्कूलिंग का ड्यूज पर क्लब जाता है, वो पर मेंबर नहीं जाता, तो ये पुनः प्रस्तावित है। तो अगर हाउस चाहे और हमारे साहब इसको आगे फिर कैरी फॉरवर्ड करें चीज को। पास है, पास है, पास है।
पास कर दिया जाए टोटल। हेलो लैंड जय सिंह, पांच रुपया बढ़ाए वो भी डॉलर के कारण पास, इसलिए बड़ा पास किया जाए। हेलो लैंड जय सिंह कुछ कहना चाहते हैं जी? लैंड जय सिंह कुछ कहना चाहते हैं? गवर्नर साहब अलाउ करें आप आगे। लैंडा जी पास करें जी, इसे पास किया जाए, इसे पास किया जाए, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन आगे के एजेंडा पर चले, अगले एजेंडा पर आइए, पास करिए। 532 था, 537 हुआ है, कोई नहीं पर मेंबर पास किया। बहुत धन्यवाद, अलाउ हो गया, ये अलाउ हो गया। सम्मानित कैबिनेट मेंबर्स, हमारे पास गवर्नर, हमारे काउंसिल चेयरपर्सन, सभी का बहुत बहुत आभार बजट पास करने के लिए। अब मैं ट्रेजरर महोदय से निवेदन करता हूँ आगे की अपनी कार्यवाही कैरी फॉरवर्ड करें, जो अकाउंट खोलने और सीए वगैरह अपॉइंट करने से संबंधित। लाइन अनिल रस्तोगी जी, जैसे कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, सभी को बहुत बजट पास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजट पास करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे कहते हैं कि हम अपना अकाउंट फेडरल बैंक सिविल लाइन में खोलना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। अलाउड अलाउड, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, अलाउड अलाउड, ओके सकते हैं। हम अपने सीए वैभव पहाड़िया संगम पैलेस सिविल लाइन में हैं, उनको अपॉइंट किए हैं। अलाउड सर, अलाउड प्लीज, अलाउड, धन्यवाद सर, अलाउड अलाउड, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो सबके सहयोग से, विशेषकर लाइन कुमार बहादुर सिंह जी और प्रकाश जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहादुर हूँ, आगे के प्रोग्राम आगे करिए। और बीएम सिंह नहीं, बहादुर कहाँ से आ गया? बहादुर तो मैं पैदा ही, बहादुर तो आप हैं, बहादुर आप हैं, कुछ फर्क नहीं होगा तो बात कैसे पड़ेगी? बीएम सिंह जी, हमने कहा कुछ फर्क नहीं होगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? आपने बजट जो बनाया है उसमें जो अब संशोधन हो गए हैं, उस संशोधन को मेरा अनुरोध है माननीय गवर्नर साहब से कि जो अगली पत्रिका आएगी अगस्त की, जुलाई में, अगस्त की सितंबर में, उसमें पूरा डिटेल दिखा दिया जाए, उसमें दिखा देंगे। थैंक यू, थैंक यू सर। गौर साहब, कैबिनेट ट्रेजरर महोदय, मेरा निवेदन है जो भी संशोधन, संशोधन के बजट को रिंड करके वार्ड ग्रुप में सर्कुलेट, जिससे सारे मेंबर, सारे क्लब तक वो पहुंच जाए। ठीक ठीक, मैं लॉयंस क्लब रेणुकूट का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, थोड़ा समय चाहूंगा आप लोगों से। मैं बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा थोड़ी जल्दी आप लोग देख लें, पिछला वाला जो है कई बार चेक करा देना। आवाज न कुछ, मेरा अनुरोध है कि कृपया एजेंडा को इसको क्यों लियो और सत्र में सबको अनुमति दे। मेरा बहुत एंजॉय करने वाले हैं सर, स्क्रीन शेयरिंग रोक दे सर, स्क्रीन शेयरिंग के लिए अलाउड है, सबको म्यूट करिए, पहले सबको म्यूट करिए, सबको म्यूट करे भाई, एजेंडा के अनुसार चल। लाइन सुधा बहादुर जी, एमओसी महोदय, कृपया आप अपने को अनम्यूट करके आगे बढ़ाएं एजेंडा। जो पास किया है उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, और अभी हम लोग एक सत्र चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो जिनको भी अपनी बातें कहनी है वो उसी में कह देंगे अपनी बातें, उनकी बातें सुनी जाएंगी और मानी भी जाएंगी। लाइन दोस्तों, अभी आपके पास मुक्त है, सोच समझ के बैठे, फिर जो चाहेंगे वो उसमें आप अपने देंगे, और हमें इस
एजेंडा को आगे बढ़ने की अनुमति दें। रीजन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत से कार्यक्रम किए हैं। मैं एक विशेष प्रार्थना करना चाहूंगी रीजन और चौन दोनों से, कृपया समय का ध्यान देते हुए जो कार्यक्रम आप प्रसारित कर चुके हैं और जो आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पास तक पहुंचा चुके हैं, उसके आगे आपकी क्या प्लानिंग है या आपने आगे क्या किया, अगर उसको संक्षेप में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सारे कार्यक्रम देखे जा चुके हैं। एक विशेष प्रार्थना और है कि समस्त लोगों का बार बार नाम लेके उतना समय अगर आप बचा लेंगे तो आप कार्यक्रम को अच्छा ले जाएंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले जोन को आमंत्रित करती हूँ, उनके विभिन्न जोन में क्या काम हुए हैं। मेरे पास जोन से संबंधित पहले इलाहाबाद के जोन से मैथिली जी से शुरू करूंगी और उसके बाद समस्त जोन, अगर उनके पास कोई कार्यक्रम है तो आप अपने आप अपना नाम लेके परिचय देके आगे बढ़े। नारायण मैथिली जी स्टार्ट करें। नमस्कार, सम्मानित मंच, सम्मानित सदन एवं अति सम्मानित सदन, एज ए जोन E1 में आपको बताना चाहती हूँ, हमारे जोन में लायंस क्लब पावन गंगा, लायंस क्लब प्रयागराज वसुधा और लायंस क्लब पावन धारा है। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है हमारी? जी जी, हमारे पास तीन क्लब्स हैं, लायंस क्लब पावन गंगा, लायंस क्लब प्रयागराज वसुधा और नया बना क्लब पिछले ही वर्ष जो खुला है, लायंस क्लब पावन धारा। तीनों ही क्लब्स अच्छे काम कर रहे हैं, जैसा कि सब कुछ रिपोर्ट हमने दी है और क्लब्स ने दी है, आपको सभी को मालूम है। उन्होंने काफी सैनिटाइजर्स और मास्क वितरण किया लायंस क्लब पावन धारा और पावन गंगा ने, बार बार प्लांटेशन किया पावन धारा ने, और करीब मेरे ख्याल में अभी तक 70-80 प्लांटेशन उनके बड़े पौधों के हो चुके हैं विभिन्न पार्कों में। इसके साथ ही लायंस क्लब प्रयागराज वसुधा जो कि मेरा होम क्लब भी है, वो आज 46वें दिन भी उसने आज कार्य किया लगातार प्रतिदिन। नीलिमा उपाध्याय जी की अध्यक्षता हमारा लायंस क्लब प्रयागराज वसुधा जो है वो लगातार दो बार तीन बार वो अपने कार्यक्रम कर रहा है, 2-3 सेवा कार्य एक बार में कर रहा है। मैं अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगी, चूंकि इसका सभी है व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और MySCI पे सारे के अपडेट्स भी है, अभी तक उसमें से टॉप नहीं हुआ है। हम हमारी जो योजना है उसमें ज्यादा से ज्यादा कैंपेन 100 के लिए हम प्रयास करेंगे, कम से कम 10 तो हम कैंपेन 100 के नाम इन तीनों क्लब्स से आप लोगों को डोनेट कराएंगे। इससे मेरा फोकस है। सेकेंड थिंग इज कि हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जागरूकता कार्यक्रमों पर ज्यादा बल देंगे जब तक कि कोरोना टाइम है। मैं अपने पावन गंगा और पावन धारा क्लब से भी इस बात के लिए निवेदन बराबर कर रही हूँ और आगे भी मैं इसको कोशिश करूंगी कि बहुत ही बृहद हमारा वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम नेत्र पर, एनवायरमेंट पे होते रहे लगातार। डायबिटीज पे भी हम कर सकते हैं बड़े बड़े लोगों को, उस पर भी मैं फोकस करूंगी। और कैंपेन चाहूंगी कि कुछ MG आए आगे, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। तो ये हमारा अभी तक का 3 महीने का जो हमारा प्लानिंग है, हमारी अपने क्लब से बात चल रही है, कोई ड्रॉपेज नहीं है, सबके ड्यूज पेड है और उसके साथ में कोई भी हमारे जो है, आज मैं नाम दे रही हूँ अपना, $550 करीब मेरा बचा हुआ है MGF के लिए, वो मैं दूंगी, डोनेट करूंगी। और हमारे क्लब से नीलिमा दी कैंपेन 100 में $100 का उनका योगदान रहेगा। आगे बाकी जैसा मैंने वादा किया अपने जोन से और ज्यादा से ज्यादा इसमें करवाऊंगी। सर्विस कार्य हमारे तीनों क्लब्स अच्छे से कर रहे हैं, ये आप सबने देखा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैथिली जी। मैं आह्वान करती हूँ लाइन PK सिंह जोन चेयरपर्सन, यदि कोई विशिष्ट कार्यक्रम आपके हुए हो तो कृपया आए सामने। लाइन PK सिंह, मैं आई दादी। दादी पास हो गई, दादी तुम्हारी पास हो गई बेटे। थैंक यू। और एक और बात कहनी थी जब तक कोई नहीं आ रहा है कि हमारे वसुधा ने 1500 प्लांटेशन इन 7 दिनों में किए हैं। MCC सर के आवाहन पे हमने 1500 प्लांटेशन वसुधा से किए हैं। आज भी चित्रकूट में 300 प्लांटेशन हमारे वसुधा से हुए होम क्लब से। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी, आपके कार्य बहुत ही यूनिक है, बार बार बधाई दूंगी आपको।
कोई भी जोन चेयरपर्सन अगर आना चाहते हैं प्लीज वो तुरंत आए, समय का ध्यान रखें, मैंने नाम अनाउंस किया। लाइन राजकुमार जायसवाल, लाइन अशोक कुमार, लाइन आभा सिंह। मैं लाइन राजकुमार जायसवाल। हाँ आए सर। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। हेलो, आभा सिंह बोल रहे हैं। हेलो, जैसा जी को बोल लेने दीजिए, वो आपसे पहले आ गए, फिर आप हेलो। हेलो, मैं आभा सिंह बोल रही हूँ। हमारे पास दो क्लब है, एक प्रयागराज झिलमिल है और दूसरा क्लब है स्मार्ट सिटी। तो प्रयागराज झिलमिल ने जुलाई में, हेलो आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जुलाई में लगभग 10,000 का के प्लांट सैनिटाइजर और मास्क हमारे 16 मेंबर ने मिलके बांटे हैं हम लोगों ने, और हमने अपने घर से ही सारा व्यवस्थित किया है। सिर्फ एक आध बार हम लोग ने चार चार लोगों की मीटिंग की। अगस्त में हमने 200 प्लांट, अगस्त में हमने 200 प्लांट और विजन के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया है। हमने अपने जो वर्कर घर में ही आते हैं उनके लिए चश्मे का अरेंजमेंट किया, और दूसरा पेट्रोल पंप के विजन से संबंधित हमने वो लगाए, बैनर्स लगाए हैं, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और मास्क भी थोड़े से बांटे हैं, और प्लांट डोनेशन भी किया है। प्लांट डोनेशन के लिए हमने कई मायनों से कांटेक्ट किया, उनको हमने 10-10 प्लांट दिए हैं, उसकी फोटो आज हम डालेंगे। ये हमारा भी नया, और इस कल 15 अगस्त की वजह से हम नहीं डाल पाए ये, और ये 2 महीने का तो ये और तीसरा हमारे विजन से संबंधित और डायबिटीज से संबंधित काम करना है फिलहाल हमें, और अगले महीने में लेडीज को फूड देना है। और इसके बाद जो दूसरा हमारा क्लब है स्मार्ट सिटी, उसमें थोड़ा सा वो हो गया है, थोड़ा सा मेंबर्स ने छोड़ दिया है और दूसरा क्लब बना दिया उन्होंने, तो उसमें मेंबर अभी बहुत कम है, तो वो अभी देखिए वो अभी मेंबर बढ़ाने की तैयारी में है, तो उसके बारे में हम इतना नहीं कह पाएंगे, लेकिन काम जो हफ्ते हैं जो लाइग में काम हो रहे हैं उसमें ठीक है। मेरा इतना ही रिजर्व है, ओके थैंक यू। हेलो हेलो, हेलो हेलो बढ़िया। हेलो हेलो मैडम, मैं अपने हेलो हेलो जी हेलो। अरे बोले आप, अरे बोलिए, हिल गए सब लोग, आप बोले हिल गए सब लोग, बोला आप केवल बोले। अच्छा, सबसे पहले तो जी नमस्कार और सम्मानित मंच एवं अति सम्मानित सदन। मंच में सदन है रमा, ठीक है। हमारे अंदर में 3 क्लब हैं, हमारे क्लब में लायंस क्लब इलाहाबाद में, लायंस क्लब संगम और हमारे गवर्नर साहब के, ये 3 क्लब हमारे उसमें हैं, जिसमें हमारे क्लब में तो देखिए अभी 2 ही महीने में एक तो नया क्लब खोला, सबसे बड़ी बात क्लब मिली है, एक नया क्लब खोला है इलाहाबाद में रेनबो के नाम से। हेलो, और इन लोगों और हमारे क्लब में अभी तक लगातार 1 जुलाई से लेकर अभी तक प्लांटेशन कर रहे हैं, और साथ में अब तक लगभग 4,500 प्लांटेशन हो चुके हैं, और इसके अलावा हंगर पे भी इन्होंने काम किए हैं, कुछ अन्न बंटवाया है इन्होंने मलिन बस्तियों में, और तीसरा संगम भी लगातार काम कर रहा है मेरा, और हमारे गवर्नर साहब का भी क्लब जो उनके प्रेसिडेंट हैं लगातार इन लोग भी कार्य कर रहे हैं, तो हम इनके कामों से हम बहुत सेटिस्फाई हैं और काम आगे भी बढ़ता रहेगा। और जी हेलो, हेलो बोलिए आप जी, मतलब मैं अपना
वाणी को विराम देते हैं बहुत बढ़िया शानदार बढ़िया है बढ़िया है हर्ष वितरण भी किया था इलाहाबाद में ने जी 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 सुधीर भाई ने बहुत काम किया है भाई अपने घर के ही प्लान बहुत लगाए मोहल्ले में लगाया सुधीर भाई ने तो चलिए ना चलिए थैंक यू डैन प्रदीप वर्मा डैन प्रदीप वर्मा जी है क्या डैन अशोक कुमार हेलो राजकुमार जी वेटिंग में है राजकुमार जायसवाल जी वेटिंग में है राजकुमार जायसवाल जी बोलिए मैं लैंड राजकुमार जायसवाल जोन चेयरपर्सन मेरे अंडर में दो क्लब हैं हेलो मेरी आवाज आ रही आ रही बोलो सर मेरे अंडर में दो क्लब है लायंस क्लब आदर्श एंड लायंस क्लब सेंट्रल मेरा अपना होम क्लब लायंस क्लब आदित्य है तीनों क्लब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आदर्श ने तो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया उन्होंने शुगर जांच की तथा साथ में ब्लड डोनेशन का काम किया ट्री प्लांटेशन काम किया लायंस क्लब सेंटर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे काम किए गए हैं आदित्य द्वारा ट्री प्लांटेशन किया गया है मास्क वितरण किया गया है और वर्चुअल मीटिंग की गई है हमारे तीनों क्लब बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं जिससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं वेरी गुड थैंक यू सर वेल वेल थैंक यू वेरी मच कुमार जी कोई और जोन से हाँ जी बेटी भैया कुछ कह रहे हैं आप थैंक यू राजकुमार जी ओके थैंक यू भैया थैंक यू वेरी मच हेलो हरेन जी दिख रहे हैं हरेन जी को कुछ बोलेंगे क्या जो हमारा हरेन प्रताप सिंह ज्ञानपुर से याद कर रहा हूं लॉन्स क्लब बलिया सोसाइटी से जून छह परसेंट अगली बार आपको ये सब सर नमस्कार सब बोल उसको अभी जाके बना सात साल के अध्यक्ष है और बाद में हेलो 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 हाँ मैडम मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ नमस्कार हेलो सबको म्यूट करवा दीजिए आवाजें बहुत आ रही हैं सबको म्यूट नहीं करेंगे तो नहीं मीटिंग चल पाएगी जिसको बोलना हो केवल उसी को रखिए बाकी सबको म्यूट कर दीजिए ऐसे क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी का क्या बोल रहा है हाँ बोलिए सर हेलो हाँ बोलिए सर हाँ लायंस क्लब बलिया सोसाइटी से जोन चेयरपर्सन विजय राज गुप्ता हेलो आवाज है जी सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार मेरे बलिया सोसाइटी है और मऊ लायंस क्लब मऊ और लायंस क्लब पाजंगवर तीन क्लब हमारे एरिया में है लायंस क्लब बलिया ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और कल 15 अगस्त पर कोविड 19 में 100 आशा बहुओं और नर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घड़ी प्रस्तुति पत्र पेन डायरी द्वारा सम्मानित किया गया और हमारा मऊ क्लब भी काम कर रहा है मऊ क्लब ने टीएम ऑफिस में सैनिटाइजर मशीन लगाया और मिल गया का कार्यक्रम आजमगढ़ क्लब भी हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है धन्यवाद बहुत बढ़िया शानदार हेलो हेलो
बोले मंच पे आसीन सभी सीनियर्स और सभी पदाधिकारी गण और डीजी डीजी सर को नमस्कार। मुकुल गुप्ता बोल रहा हूँ मैं गोरखपुर से जोन चेयरपर्सन, और अपने साथी लोगों को भी नमस्कार, लायंस मेंबर्स को नमस्कार। मैडम मेरे पास हेलो बोले सर। हाँ मेरे पास गोरखपुर में तीन क्लब हैं, लायंस क्लब विशाल, लायंस क्लब यूनिवर्स और लायंस क्लब अयोध्या जी, और तीनों हेलो जी बोले बोले। तीनों क्लब भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास दोनों दो क्लब हमारे पास नए हैं, लायंस क्लब अयोध्या जी और लायंस क्लब यूनिवर्स। लायंस क्लब यूनिवर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया पहले महीने में, और पहले ही उसने ब्लड पे ब्लड डोनेशन का काम किया, प्लांटेशन भी काम किया, प्लांटेशन का भी काम किया इन्होंने। उसके बाद लायंस क्लब अयोध्या जी ने भी प्लांटेशन का काम किया, अभी खाने का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, एक छोटा सा कैंप भी लगाया था इन्होंने, हेल्थ कैंप लगाया था। और बहुत ही ये फैमिली क्लब है, और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छे लड़के हैं इसमें, और आगे के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है बीच में, लेकिन फिर भी ये हमारे कॉन्टेक्ट में बने रहते हैं ये लायंस क्लब अयोध्या जी। लायंस क्लब विशाल पुराना क्लब है, और विशाल ने बहुत ही बड़े स्केल पे प्लांटेशन का काम भी किया, और प्लांट बांटने का भी काम, डिस्ट्रीब्यूशन का किया, मेरे द्वारा खुद द्वारा जो है गरीबों को भोजन और पैकेट भी दिया था मैंने, उसके बाद भी, और हमारे जो भी हैं ये क्या कहते हैं मेंबर्स हैं, इन्होंने गांव-गांव जाकर के कई गांव को चुना था और कई मोहल्लों को चुना था, तो आवश्यकता अनुसार अभी जो जरूरत है सैनिटाइजर का काम किया था। हमारे सेक्रेटरी राकेश चंद जी भी हैं और डॉक्टर हरिओम है, इन लोगों ने जाकर के, हमारे एसपी पांडे साहब का भी सहयोग रहा है, हेलो एसपी पांडे साहब का भी रहा है सहयोग। मैथिली मैडम आवाज जरा म्यूट अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, ठीक है। और एसपी पांडे साहब का भी सहयोग रहा, और कई गांव को चुना जहां पे जाकर के सैनिटाइजेशन का काम कराया था, और यहां पे पूरे गांव-गांव में मास्क बांटा था, ये ना बहुत ही अच्छा काम किया था। और आगे जो भी है इसमें ब्लड डोनेशन का काम, ब्लड डोनेशन का हमें इनका वो है हेल्थ चेकअप का करना है, और उसके बाद आई स्कैन का भी काम ये कराना है। बाकी जो भी बीच में अटास आएगा, जो भी आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो भी आएगा, उसका इम्प्लीमेंट 100% कराने की कोशिश हम यहाँ करेंगे, 100% कराने के लिए। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, फिर से प्रणाम करता हूँ मंच पे आसीन सभी सीनियर्स को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत दीपक अग्रवाल पास गवर्नर कहना चाह रहा हूँ जी सर। हर एजेंडा में रहता है कि रीजन जोन जो है अपनी रिपोर्ट में जी सर न्यू मेंबर्स के बारे में, न्यू क्लब के बारे में कुछ बताएंगे, मगर कोई भी जोन न्यू मेंबर्स कितने बने हैं और क्या उनकी मेंबरशिप है इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है, और सर उनके जोन के क्लब में कितने मेंबर बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये भी एक विषय है सर। जरा सा यहाँ गेट टुगेदर करने में प्रॉब्लम हो रही है, गेट टुगेदर करने में प्रॉब्लम हो रही है, और इसकी वजह से कोविड की वजह से अभी हम लोगों ने उसके बाद भी रीजन मीटिंग कर ली है यहाँ पे, और एक जनरल मीटिंग अभी हम लोगों ने परसों रात में की है, जनरल मीटिंग यहाँ पे गोरखपुर में विशाल की मीटिंग कर ली है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम लोग आते हैं, बहुत ही प्रयास करने के बाद भी बहुत ही कम लोग आते हैं, एक दो महीने की बात है तो हम लोग फिर पुराने पिछले साल के जोश खरोश के साथ वैसे ही लग जाएंगे, है ना। और बस महीने दो महीने की बात है, ये आपदा खत्म हो जाए तो सभी लोग बेचैन है आने के लिए क्लब में और ज्वाइन करने के लिए, फिर भी कोशिश की जा रही है, जो भी टॉस मिल रहा है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। थैंक यू सर, बधाई है भैया। और कोई दूसरा जोन चेयरपर्सन अगर आना चाहता है फिर अपना नाम बताए। और मैंने मेंबर बढ़ाए हैं, 7 मेंबर बढ़ाए हैं मैंने, बहुत बहुत बधाई है मैडम। हाँ पहले 10 थे और मेरे 17 है, 20 करके रिपोर्ट दूंगी मैं, बहुत बहुत बधाई। एक रिक्वेस्ट जोन चेयरपर्सन के बोलने के बाद ही कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे चले जोन चेयरपर्सन आप बोले क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ से हैं, कृपया नाम बताएं। मैडम लायन मोइन खान। हाँ जी लायन मोइन खान वाराणसी से जोन चेयरपर्सन, होम क्लब मेरा है। एक्चुअली मेरे पास तीन क्लब हैं, लायंस क्लब वाराणसी गोल्ड, एलिगेंट और मेरा होम क्लब सेंचुरी। तो अभी इस माहौल में बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना तो मुमकिन नहीं है, फिर भी तीनों क्लब ने कोशिश की है, और हमारे तीनों क्लब ने प्लांटेशन का प्रोग्राम किया है 1 जुलाई को ही किया था, और उसके अलावा
हेलो हेलो हाँ बोले तीनों क्लब ने प्लांटेशन का प्रोग्राम तीनों क्लब ने किया था, उसके अलावा मास्क वितरण भी तीनों क्लब ने ही किया था, बल्कि दो दो बार किया गया कि एक बार हम लोगों ने सीएमओ को भी मास्क दिया था तो हमारे डीजी वन चंद पंड्या जी के थ्रू, और उसके अलावा फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम हमारा हुआ ही है। और आगे अगर फिलहाल जब तक माहौल ये कोविड का सही नहीं होता है तब तक हम लोगों ने प्लान किया है कि सभी मेंबर अपने अपने घर में ही जैसे भी हो सकता है दो दो या तीन तीन पेड़ अपने घर में लोग लगा लगा के कम से कम प्लांटेशन का काम करते रहेंगे, तो ये कम से कम ये सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और लोगों को सेहत से भी थोड़ा सा बचाव उसमें रहेगा इस तरीके से। रही बात मेंबरशिप की, तो फिलहाल अभी मेंबरशिप बढ़ाना है तो बड़ी बात होगी, हम लोग कोशिश है कि जो भी मेंबर है उसमें कोई कम ना हो, और आगे माहौल सही होता है जी आगे माहौल सही होता है तो हम लोग सभी इन सब कार्य करेंगे। और फिलहाल हम लोगों ने डायबिटीज हेल्थ कैंप के लिए हमारे एक मेंबर हैं कुशल दास गुप्ता लायंस क्लब वर्सेस सेंचुरी से, तो उनका एक पैथोलॉजी भी है, तो हम लोगों ने प्रोग्राम किया है कि उनके यहाँ फ्री में कुछ सेवा की, लोगों की जाए बैनर तले लायंस क्लब के। बाकी कोशिश रहेगी आगे जैसे माहौल सही होता रहेगा हम लोग अपने प्रोग्राम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया शानदार, थैंक यू भाई आपको बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक मुबारक भाई मोहिन भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैडम मैं दिनेश जायसवाल, जोन साहब बधाई बहुत बहुत, मोहिन भाई को बधाई, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बोलना चाहूंगा, हाँ बोलिए बोलिए, वेलकम दिनेश जी। मैं दिनेश जायसवाल जोन चीफ पर्सन जे वन, बोलो बोलो आवाज बहुत सुधा में आवाज बहुत आ रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है, म्यूट कर कर रखे सौरभ भाई, देख के मेरा म्यूट करवा। हेलो हेलो हेलो, दिनेश जी बोलिए, मैं दिनेश जायसवाल जोन चेयरपर्सन जे वन, आज फर्स्ट जो सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं बड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि हमारे जो है जोन में, मेरे जोन में हमारे को तीन क्लब मिले हैं, होम क्लब मेरा एक्सीलेंट, प्रभात और सनशाइन, और इसमें प्रभात सनशाइन और होम क्लब, और हमारी इस तीनों क्लब में अभी जो कार्य हुए हैं तीन कार्य हुए हैं, हंगर पे वर्क हुआ है, एनवायरमेंट पे हुआ है और मास्क वितरण पे वर्क हुआ है। और मेरी जो प्राथमिकता रहेगी इस वर्ष भर में कि जो मेंबरशिप है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, उस पर मेंबरशिप बढ़ाएंगे, ज्यादा मेंबर रहेंगे तो ज्यादा हमारी सेवाएं होंगी जी। और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो भी हम लोगों को टारगेट जोन को दिया गया है उस टारगेट से 100% से क्या 120% उसको कोशिश करेंगे कि 120% हमारा टारगेट जाए, जो भी आपके द्वारा टारगेट दिए गए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एनी अदर जोन चेयरपर्सन प्लीज, थैंक यू मैम, यस मैम, यस मैम, मैम हेलो, यस प्लीज नाम बता दे। अलका जायसवाल जी बोले जी। मैम मैं अलाहाबाद से हूँ और मेरे अंडर में तीन क्लब्स हैं, मेरा होम क्लब एंजल्स और ईव एंड क्लासिक, और तीनों क्लब्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे क्लब्स में वर्चुअल मीटिंग्स भी हो रही हैं, उसके अलावा प्लांटेशन, हंगर और डायबिटीज पे भी काम हुआ है, और बाकी हमारे एंजल्स ने एक मेंबर बढ़ा है, बट अभी हम लोग और तीनों क्लब्स मेंबर्स बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमें मंडल से जो भी हमें टारगेट मिला है उसको 100% अचीव करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, बधाई हो। हेलो, मैं मीना त्रिपाठी वाराणसी से जोन चेयरपर्सन, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ अपनी रिपोर्टिंग। हेलो हेलो,
सभी सम्मानित सदन नमस्कार। हमारे पास तीन क्लब है, श्रेष्ठ और नटराज, रुद्रा एवन हमारा होम क्लब। हमारे तीनों क्लबों में रेगुलर सेवा कार्य मीटिंग रिपोर्टिंग हो रही है। COVID-19 की वजह से सेवा करने में परेशानी है, हो रही है, फिर भी आगे अच्छा काम मुझे विश्वास है कि करेंगे। अब तक अन्नदान पे, वृक्षारोपण पे और मास्क वितरण पे कार्य हो चुका है और सभी क्लब तीनों मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। बढ़िया, बहुत हेलो, मैं जौनपुर से राजेंद्र खत्री। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जॉन चेयरपर्सन राजेंद्र खत्री, सभी पदाधिकारियों को नमस्ते। सर मैं, मेरे पास जौनपुर के तीन क्लब हैं, जौनपुर सूरज, गोमती और पवन। और COVID-19 के बाद भी लगातार शुरू से ही 1 जुलाई से ही तीनों क्लबों ने काम शुरू किया था एनवायरमेंट पे, और एनवायरमेंट पे, हंगर पे और डायबिटीज पे अच्छा काम चल रहा है। सदस्यता वृद्धि की बात जहां तक है उसके लिए भी बातचीत हो रही है, और हर क्लब, तीनों ही क्लब की बात है तो होम क्लब मेरा सूरज है, हम लोग तो 5 लोगों को जोड़ने जा रहे हैं होम प्लस सूरज में 5, और गोमती ने भी अभी बात की है, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है और पवन ने भी कहा है सदस्यता बढ़ाने के लिए कि हम अपनी कितनी सदस्यता बढ़ा सकते हैं। बाकी हंगर पे हमारे यहाँ बेहतर काम हुआ है, एनवायरमेंट पे काम हुआ है, डायबिटीज पे भी काफी काम हो चुका है। रिपोर्टिंग आपके पास है भी, आप जब देखेंगे तो, और बेहतर काम तीनों कर रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि आप लोग के सहयोग से जो मैं उनकी मदद कर सकूं जरूर करूंगा, आप लोग के सहयोग चाहूंगा कि जहां मैं मेरी जरूरत होगी आपसे मैं सहयोग ले लूंगा। ओके जी, थैंक यू जी। वेरी गुड राजेंद्र, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, जी सर। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। चेयरमैन हरेंद्र मिर्जापुर और मेरा होम क्लब ज्ञानपुर। सर आप सभी को प्रॉपर रिपोर्टिंग मिल रही है व्हाट्सएप पे और मेरे सीआई पे भी, और सर मेरे तीनों क्लब बहुत कर रहे हैं, मिर्जापुर और मेरा होम क्लब ज्ञानपुर। आप लोग व्हाट्सएप के जरिए और मैं एलसीआई भी रेगुलर रिपोर्टिंग हूँ। पॉपुलेशन से ज्यादा और प्लांटेशन, अभी तक मेरा होम क्लब हमारा लगभग 700 प्लांटेशन कर चुका है, और इसी तरह से मिर्जापुर मिला के लगभग 1000 प्लांटेशन के ऊपर हो चुके हैं, और भदोही को मिला के, और बहुत अच्छे से मेरे तीनों क्लब काम कर रहे हैं, और आगे भी इन लोगों का बहुत अच्छा जो हमको रिपोर्टिंग किए हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा काम हो गए, और सारे जो डिस्ट्रिक्ट के गाइडलाइन है उसी के हिसाब से काम हो गए और आप लोगों के दिशा निर्देश भी काम हो गए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बधाई। रीजन जोन चेयरपर्सन यदि कोई और है तो आ जाए, अन्यथा रीजन चेयरपर्सन से अनुरोध करूंगी यदि कोई विशेष। हेलो, हाँ लायंस क्लब जौनपुर में राम कुमार साहू। हेलो जी, जी आवाज आ रही। हाँ, हमारे पास तीन क्लब हैं, सागन स्टार है, जौनपुर मेन है और जौनपुर क्षितिज है। जी बोलो। हाँ, हमारे तीनों क्लब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मेंबर बढ़ाने के भी काम कर रहे हैं सब, और क्या नाम है, COVID-19 से भी अच्छा काम चल रहा है, और हर काम माने हम लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। डायबिटीज भी काम चल रहा है, डॉक्टर साहब के हैं, क्षितिज जी के हैं, हमारे सब लोग अच्छे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। राम कुमार जी। हाँ सर बोलिए। ऐड कर सर, वीपी मारवा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर आपके शागंज स्टार की कोई भी रिपोर्ट माई लाइन पे अपडेटेड नहीं है। सर हम थोड़ा कोविड में थे, 10-15 दिन हम परेशान थे, माने तबीयत खराब हो गई थी, हम बात करेंगे अब। यस सर, कुछ उनके यहाँ प्रॉब्लम है, आप एक बार बात कर लीजिए, उनका मैसेज आया था मेरे पास, क्लियर करा लीजिए बात करके फोन से। हाँ सर, जैसा मुझे मुझसे संपर्क कर ले तो मैं उनका रिजॉल्व करा। थोड़ा इधर थोड़ा बिजी थे, मम्मी भी हमारी खत्म हो गई थी,
इसी में जी, जी। हाँ तो इसी वजह से हम थोड़ा माने परेशान थे 15-20 दिन। वीपी भाई उनको ज्यादा ज्यादा जौनपुर के लाइन को लगाते हैं। हाँ बात करेंगे। मेरी मेरी इस विषय में मुस्तफा जी से भी बात हुई थी कि वो इनसे शागन बताएं सो दैट इट कैन बी। थैंक यू। ठीक है सर, हम बात करके आपको बता देंगे। मुस्तफा भाई से कह देंगे, मुस्तफा भाई आपसे बात कर लेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। कोशिश करेंगे आज शाम तक ही हो जाए। और बोले ठीक है। ठीक है सर, आप कुछ बोलो। थैंक यू। लाइन पुष्पांजलि शुक्ला जी। हाँ। हो गया। सर मैं सुल्तानपुर से है क्या? हेलो हेलो, प्रतापगढ़ से लाइन पुष्पांजलि शुक्ला जोन चेयरपर्सन बोल रही हूँ। मेरे अंडर में चार क्लब है, हर्ष, अवध, शक्ति और गौरव। सर चारों ने बहुत अच्छा काम किया है। बिछड़ों पे बहुत अच्छे काम हो चुके हैं सर, हंगर पे भी काम हुआ है। और लायंस क्लब गौरव का एक सर नेक्स्ट सैटरडे को एक प्रोग्राम है, स्टेशन पर व्हील चेयर और स्ट्रेचर देने का प्रोग्राम है सर, नेक्स्ट सैटरडे को दिया जाएगा सर। ये अभी हम लोगों ने सोचा है भाई, इसको करना है, मंगवा लिया है, देना है। और चारों क्लब हमारे काम कर रहे हैं। अवध की रिपोर्टिंग नहीं आ रही है माई लॉइन पे, ठीक हो जाएगी। और मेंबरशिप को ग्रोथ का है, आगे हम लोग का काम करना है। वर्चुअल मीटिंग भी सर हो चुकी है हमारे। नहीं मैं कह रहा हूँ माई लाइन कोई सर्विस एक्टिविटी की रिपोर्टिंग नहीं है, दोनों क्लब की शक्ति की। तो घूमते रहे पता नहीं, देखो परसों दिखा जाएगा, हो जाएगा। शुरू करिए फोटो बीच में कैसे आ रही है। सुधाजी नेक्स्ट जोन चेयरमैन को बुलाइए। सुधाजी नेक्स्ट जोन चेयरपर्सन प्रतापगढ़ से अगर कोई और हो तो आ जाए प्लीज। नहीं प्रतापगढ़ से एक ही जोन चेयरपर्सन है, आगे किसी दूसरे शहर से? अब तो हमारी समझ से कोई नहीं बचे, अगर बच रहे हो आपके पास हो तो आ जाए। हमारी समझ से सभी अब रीजन्स को बुला लीजिए। नीरज जी दिख रहे हैं सामने, नीरज मेहरोत्रा जी दिख रहे हैं, वही उनसे बात कर लीजिए। पीयूष कांत जी भी दिख रहे हैं, दोनों में जो पहले आना चाहे बोलने दो ना उसे जी। भाभी आप बोलिए। लाइन नीरज मेहरोत्रा अगर आ गए हैं तो प्लीज आ जाए। रीजन चेयरपर्सन अरे दो दो पीयूष लगे हुए हैं लाइन में, नीरज भाई जब आएंगे तब बुला लीजिएगा। नमन सर, अनुमति हो तो मैं शुरू करूं? हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ वेलकम बिल्कुल शुरू करें सर। मैं रीजन चेयरपर्सन डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा प्रतापगढ़ से समस्त लायनिज्म के पुरोधा महानुभावों को एवं समस्त लायन साथियों को नमन करता हूँ। मेरे पास सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के चार चार क्लब हैं, कुल मिलाकर के आठ क्लब हैं और दोनों ही जिलों में अच्छा काम हो रहा है। अभी हमारी जोन चेयरपर्सन लाइन पुष्पांजलि शुक्ला बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पढ़ी और निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र हैं क्योंकि इनका मार्गदर्शन है, क्लब के साथ ये इंटरेक्ट करती हैं, प्लांटेशन पर अच्छा काम हुआ है। और एक विशेष मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ शक्ति ने चीनी सामानों के बहिष्कार पर जो है अपना बड़ा एजिटेशन किया था, तो ये एक विशेष कार्यक्रम है। बाकी जो आपकी प्लानिंग है, अभी आपने जो प्लान किया है कि स्टेशन पर हमको स्ट्रेचर और व्हील चेयर, ये हमारा कई सालों का पेंडिंग कार्यक्रम चला रहा है और ईश्वर करे कि आपके मार्गदर्शन में यह काम अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। दूसरी चीज है कि जहां तक मेंबरशिप की ग्रोथ है, लायंस क्लब शक्ति हमारा नया क्लब है तो इसमें दो सदस्य इस बार बढ़ाए गए हैं और यद्यपि इसकी जो संख्या है वो बहुत कम है, अभी कुल मिलाकर के 12 हुए हैं,
लेकिन ये टारगेट है हमारे पूर्व रीजन चेयरपर्सन भाई संतोष भगवान जी के नेतृत्व में यह क्लब खुला था और हम लोगों ने आपस में बात की है कि इसकी संख्या को हम लोग 20 तक ले जाएंगे। सुल्तानपुर में जो चारों क्लब हैं उसमें अच्छा काम हो रहा है, खास करके मिड टाउन और सेंट्रल, इन्होंने प्लांटेशन पर और सैनिटाइजर और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा काम किया है, कई संस्थाओं के साथ कोरिलेट करके काम कर रहे हैं। जगदीशपुर अमेठी एक नया क्लब है, लेकिन इन्होंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके जागरूकता कार्यक्रम का और अन्नदान का कार्यक्रम इन्होंने किया है। अनफॉर्चुनेटली युवराज से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, फिर भी सारे क्लब अच्छा काम कर रहे हैं। ताकि जो भी डिस्ट्रिक्ट की का टारगेट होगा और गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विश्वान जी, बहुत बढ़िया, शानदार बोले। रीजन चेयरपर्सन मैम पीयूष जी, नीरज मेहरोत्रा जी अगर आ गए हैं तो प्लीज आ जाएं। कोई भी रीजन चेयरपर्सन यदि आ गया हो तो प्लीज अपना नाम बताएं और रिपोर्ट दे दे प्लीज। नीरज जी आपका माइक म्यूट है। मैं संजय जायसवाल। हेलो, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी संजय जायसवाल, रीजन चेयरपर्सन रीजन एच। तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अंडर में दो जोन चेयरपर्सन हैं और दोनों के पास तीन तीन क्लब हैं। मेरे एक जोन चेयरपर्सन मोइन खान ने अपने क्लबों की रिपोर्ट दे रखी है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। और हमारे जो दूसरे जोन चेयरपर्सन है लायन विजय सिंह जी, वो आज किसी वजह से मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनकी सूचना हमें मिल गई थी। तो उनके अंडर में लायंस क्लब वाराणसी बुद्धा, सिल्क सिटी और गंगा तीन क्लब हैं। जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने निर्देश दिया था कि सत्र के शुरुआत में ट्री प्लांटेशन और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मेरे जो ये छह क्लब हैं सभी ने 1 जुलाई को ये कार्य बड़े ही दिलचस्पी के साथ और उत्साह के साथ किया था। तो ये दूसरे जोन के जो तीनों क्लब थे इन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और ट्री प्लांटेशन का कार्य किया था जुलाई में। अगस्त में अभी इन्होंने सभी लोगों ने फ्लैग होस्टिंग का काम किया, कल का 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में। बाकी सभी हमारे सदस्य बड़े ही उत्साह से भरे हैं। ड्यू टू कोरोना इस समय थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे ही हम इस मुसीबत से उभरेंगे सभी क्लब हमारे बड़े ही उत्साह से सभी सेवा कार्यों में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया संजय भैया। नीरज मेहरोत्रा बोल रहा हूँ। मेरी जोन है मैथिली सिंह जी और राजकुमार जायसवाल जी। मेरे क्लब है पावन गंगा, वसुधा, आदित्य, आदर्श, पावन धारा, अचीवर विजनरी। मेरे रीजन में सभी क्लब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पावन गंगा ने अब तक बहुत अच्छा कार्य किया है, ट्री प्लांटेशन का बहुत कार्य किया है, हंगर का भी कई कार्य किया है, मास्क वितरण कई जगह किया है इन्होंने, और आगे भी इस क्लब की बहुत सी योजनाएं हैं क्योंकि इस क्लब में हम स्वयं हैं इसलिए हमें पता है। बताइए सर, बताइए। और दूसरा प्रयागराज वसुधा भी हमारे रीजन में है। अटक गया यार, सबसे बढ़िया काम कर रहा है वसुधा। बेहतरीन काम वसुधा का हो रहा है, वसुधा में का कनेक्शन कट गया। अब बोले मिल जाएगी, क्या दिक्कत हो गई? दीपक भैया हमारी आवाज जा रही है क्या? नमस्कार दीपक भैया, हमारी आवाज जा रही है आपको? नमस्कार डॉक्टर सिन्हा, बोलिए। सोमनाथ जी एकदम आ रही है जी। मैं डॉक्टर सोमनाथ सिंह, रीजन चेयरमैन। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। हमारे जो गवर्नर साहब है जिनका दिशा निर्देश में जो भी कार्य हो रहे हैं, हमारे दोनों जो चेयरमैन निवेश रंजन जी, अनिल कुमार सेठ जी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। उनके सारे क्लबों में जो भी एक्टिविटी दिखाई है
ट्री प्लांटेशन का, हंगर का और मास्क वितरण वगैरह उन्होंने बखूबी किया है। और थोड़ी बहुत जो परेशानी आ रही है हमारे, क्योंकि बनारस में इस समय कोरोना का प्रकोप ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोग थोड़े से संख्या में घरों में जाकर के, जैसे कल ध्वजारोहण भी सामूहिक रूप से न करके हम लोग घर में ही किए जो है। तो हमारी रिपोर्टिंग में है कि नीलेश जी भी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और तीसरे हमारे एक नए जोन हमारे में अटैच हुए हैं सर, डॉक्टर सुधीर सिंह जी जो प्लास्टिक सर्जन है, वो भी अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं जो है। रिपोर्टिंग हमारे जोन चेयरमैन ने कर दिया रखा है जो है, शेष जो भी माई LCI पे डालना है वो लोग डाल रहे हैं जो है। थैंक यू, थैंक यू, बताइए। नमस्कार जी, हाँ, लाइन मनोज खरे, लाइन मनोज खरे, हाँ बोल रहे, बोल रहे, बोलिए जी, हाँ सर बोले, मैं बोलूँ, लाइन मनोज खरे जी, जी बोले, हाँ मैं रीजन चेयरपर्सन, हाँ नमस्कार, पहले तो सबको नमस्कार, मेरे आवाज सबको आ रही है? जी 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 आ रही है सर, आ रही, बोले सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बस कैबिनेट मीट के लिए हमारे आदरणीय, एक काम, हेलो मनोज खरे मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए मनोज जी, आ रही आवाज, आवाज आ रही है ना? फर्स्ट कैबिनेट मीट के लिए हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लैन RK चौहान जी को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही हमारे BDG1 चैतन्य पांड्या जी को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही BGT2 सौरभ कांत जी को भी बहुत बहुत बधाई। उनकी वर्चुअल मीटिंग के तो हम लोग कायल हो गए हैं, उनकी वर्चुअल मीटिंग से हम लोगों ने इतना ज्यादा सीखा है इस बार कि हम उसकी जितनी प्रशंसा करें वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। वैसे तो मैं अभी 5 क्लब देख रहा हूँ, मैं अपनी 5 क्लब देख रहा हूँ अभी, 5 क्लब में इलाहाबाद कैंट, अरुणिमा, भारद्वाज, स्मार्ट सिटी, झिलमिल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मेंबर इंक्रीज हुए, हमारे 7 मेंबर इंक्रीज हुए हैं झिलमिल से, ये बहुत ही बधाई के पात्र है हमारे क्लब। और साथ ही एक ड्रॉपेज तो उसको नहीं बोला जाएगा स्मार्ट सिटी से, क्योंकि वो 22 मेंबर ने प्रयागराज रेनबो बनाया है, तो प्रयागराज रेनबो बनाया है तो वो 22 उधर गए, तो डिस्ट्रिक्ट का कोई मेंबर लॉस नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि एक क्लब तो बनी गया है। और हमारी 2 जोन है, आभा सिंह जी वो अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ट्री प्लांटेशन काफी हुआ है, मास डिस्ट्रीब्यूशन काफी हो रहा है। कोरोना के टाइम पे हमारे क्लब के कई ऐसे भी मेंबर हैं जिन्होंने उनकी डायरेक्ट हेल्प की है, उनको फूड और उनको ये दे करके डायरेक्ट उनकी हेल्प की है। आई विजन में इलाहाबाद कैंट के डॉक्टर मुकेश खरे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, हंगर में भी हमारी कई क्लब काम अच्छा कर रहे हैं, और इन सब की मैं इनके सभी कामों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और इसी के साथ ही मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ, थैंक यू। बहुत बढ़िया मनोज, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कोई दूसरा? एमओसी मैडम प्लीज, हेलो, हाँ मैं जोन देवव्रत आर्या में मिस कर गया था, अभी जोन का जब हो रहा था, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं, हाँ जी बोल दे, बोल दे, बोलिए जी। नहीं क्या मिस से मिसेज हो गए ये? सॉरी सर, मैं जोन लाइन देवव्रत आर्या एडवोकेट, सर्वप्रथम जो है अपने गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर RK चौहान सर को देता हूँ फर्स्ट कैबिनेट मीट के लिए, और हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और चेतन पांड्या जी एवं सेकंड VD जी लॉयन सौरभ कांत जी को, जो कि वर्चुअल मीटिंग के लिए हम लोगों को बहुत ही प्रेरित करते रहते हैं, और हम लोग इसके लिए एक तरह से तैयार भी हो चुके हैं काफी हद तक। हमारे जोन में 3 क्लब है, लायंस क्लब इलाहाबाद गंगा जो होम क्लब है, लायंस क्लब इलाहाबाद प्रयागराज गौरव, लायंस क्लब आकाश के बोल रहा है, क्या आवाज नहीं आ रही, और लायंस क्लब इलाहाबाद गंगा द्वारा जो है करीब करीब अभी तक 110 से ज्यादा वृक्षारोपण विद ट्री गार्ड किया गया है, और करीब 2500 से ऊपर मास्क वितरण किया गया है एवं अन्य कार्य भी किए गए हैं। इसी प्रकार प्रयागराज गौरव के द्वारा 100 से ऊपर वृक्षारोपण विद ट्री गार्ड एवं डेंटल एवं आई का कैंप भी नैनी में 2 से 3 बार आयोजित किया जा चुका है, उनके द्वारा भी मास्क वितरण एवं अन्य कार्य किए गए हैं। लायंस क्लब आकाश द्वारा भी इसी तरह से कार्य किया गया है, जहां तक
कार्य के विवरण का प्रश्न है, तो अभी तक के कार्यों से तीनों क्लब जो हमारे जो हम गवर्नर द्वारा हमें दिया गया है वो अभी तक के कार्यों से करीब करीब मैं संतुष्ट हूं और आगे भी यह प्रयास रहेगा कि इन क्लबों के द्वारा अच्छे कार्य किए जाएं। धन्यवाद, बधाई सर। जाओ वापस फिर मिस हो जाओ। हाँ सर, मैं रीजन को लाइन संतोष कुमार सरिता अग्रवाल जी बोले सर। बोले बोले सर, नाम बोले। संतोष जी, मैं लाइन संतोष कुमार रीजन क्यू। हाँ संतोष जी बोलिए सर। मेरे अंदर तीन जोन है, नौ क्लब है, हमारे दो जोन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे क्लबों के बारे में भी उन्होंने आपसे बताया, लाइन मुकुल गुप्ता जी, लाइन विजय बहादुर जी, और आगे भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। हमारे डिजन में एक दो डिजन मीटिंग और एक जनरल मीटिंग हो चुकी है लाइन क्लब ग्रुप की दिशा की। हमारे एक जोन लाइन विनय श्रीवास्तव जी का सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है, कृपया मैं चाहूंगा कि थोड़ा उनसे संपर्क करें, तो हम लोग का फोन भी अटेंड नहीं करते हैं। उनके क्लब अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन जोन का सहयोग नहीं मिल रहा है सर। धन्यवाद। हेलो हेलो, क्या हुआ? थैंक यू सर। क्या हो गया? आप क्या बोले? सुधा मैम जी, मैं डॉक्टर विकास मिश्रा, अगर आप अनुमति दें तो मैं दो मिनट का समय लेना चाहूंगा रीजन चेयरपर्सन। सर आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वैसे अवसर का लाभ तो आप बहुत उठा चुके हैं। चलिए बोलिए बोलिए सर। बस नहीं नहीं, मैं लाभ के लिए नहीं, केवल चूंकि ये दूसरा सत्र चल रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरे अंडर में दो जोन हैं, लॉयन अनिता अग्रवाल जी और लॉयन प्रदीप वर्मा जी, दोनों ही बहुत परिपक्व और अनुभवी लॉयन हैं। उनके अंडर में जो सारे क्लब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक विशेष चीज का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, हमारे बीच में लॉयन कुंवर बीएम सिंह सर उपस्थित हैं। इनके समय में लायंस क्लब ऑफ इलाहाबाद ग्रेटर ने कारवा शुरू किया था, मलिन बस्ती में एक स्कूल शुरू किया था हम लोगों ने। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस वर्ष वहां के 13 बच्चे इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में अपीयर हुए थे और सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन आए। सर आपको याद होगा वीरेंद्र कुमार करके एक लड़का था जो पढ़ाता था उन्हें। आपको देख के मैंने कहा बहुत जरूरी है ये। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। सर मैं इस चीज का पक्षधर हूँ कि ऐसा कोई कंक्रीट प्रोजेक्ट जो अनवरत चलता रहे, तो सर ये आपके शुभ हाथों का कमाल था कि वो कारवा अभी तक चल रहा है। वीरेंद्र नियमित रूप से संपर्क में है और वीरेंद्र को हम लोगों ने पिछले वर्ष शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित भी किया था बुला के सारे दिग्गजों के बीच में। तो मौका मिलेगा कि आपको बतानी थी। दूसरी उपलब्धि ये है कि सर वहीं की एक बच्ची थी, अगर आप याद करें, उसने आपके सम्मान में कुछ शब्द कहे थे। वो बच्ची आज आर्यकन्या डिग्री कॉलेज में बीए थर्ड ईयर में है, उसकी सारी फीस हमारा क्लब बियर करता है। तीन बच्चे सर आर्यकन्या डिग्री कॉलेज में एमए पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ने आर्थिक विपन्नता की वजह से उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया था, उनकी फीस लायंस क्लब इलाहाबाद ग्रेटर कर रहा है। और एक बच्ची अभी उसमें थर्ड सेमेस्टर में आ गई है, अभी परसों ही वहां की एचओडी का फोन आया था इनके डिपार्टमेंट की कि साहब वो फीस आप करवा दें तो उसकी पढ़ाई अनवरत चलती रहे। तो ये मैं उल्लेखित करना चाह रहा था नियमित कार्यों के अलावा। दूसरी बात एक और, बीएम सिंह सर और सारे दिग्गज हमारे लॉयन उपस्थित हैं हमारे क्लब में, एक जिन्हें कहते हैं हम सेवा के रूप में दधीची, लॉयन मनीष सिंह जी वो उपस्थित भी हैं। तो इस बार उन्होंने स्वीकृति दी है एमजेएफ बनने के लिए। पिछले वर्ष लॉयन क्षितिज शर्मा सर के कार्यकाल में लॉयन अजय रस्तोगी जी एमजेएफ बने थे, आज मैं उनके बिहाफ पे घोषणा करता हूँ कि वो एमजेएफ होंगे। और पहली एक चीज और, विशेष तौर पे 1 जुलाई को हमने संकल्प लिया था कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, और हमारे ये इच्छा थी, हमने पंकज महेश्वरी सर से बात की थी कि जो पहला डोनेशन होगा वो मेरी तरफ से होगा। तो मैंने अपना खुद का रक्त डोनेट किया था, उसके हमारे यहाँ डॉक्टर रोहित गोपाल जी और हमारे पीयूष भैया का बेटा 18 साल का पहली मतलब ब्लड डोनर हुआ ही था, वो एलिजिबल हुआ था, तो उसने भी अपना ब्लड डोनेट किया था। ये कुछ ऐसे कार्य थे जिनका उल्लेख करना जरूरी है इन स्पाइट ऑफ ऑल द रेगुलर कार्य। तो सुधा मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे पुनः समय दिया। थैंक यू डॉक्टर विकास, थैंक यू सर, योजनाओं को आपने आगे बढ़ाया, बहुत बढ़िया काम हो रही है। Thank you, sir. बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू।
डिस्ट्रिक्ट से कोई अन्य रीजन चेयरपर्सन यदि आना चाहे तो आ जाए प्लीज, समय का भी ध्यान रखना है। अन्य कोई रीजन चेयरपर्सन? अरे गवर्नर साहब लंच कर रही हैं का? अपने अपने घरे भेजा जाए। भेजा जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। चेयरमैन साहब भेजिए। अरे मास्टर ऑफ सेरेमनी, अभी स्विचर ऑफ सेरेमनी घर में पार्सल पहुंचेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मास्टर ऑफ सेरेमनी, कोरियर से, कोरियर से, स्विगी स्विगी होम डिलीवरी। बल्ला जी इंतजार करेंगे। मास्टर ऑफ सेरेमनी हमारे घर तो आ गया। मास्टर ऑफ सेरेमनी बल्ला जी सुधीर भैया बोलिए। हमारे घर पहुंच गया है लंच पैकेट। चलिए सुधा जी आगे बढ़ाइए, बहुत देर कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ाइए। लंच पैकेट पहुंचा वहां, हम लोग भी पहुंच गए। लेट हो जाएगा मीटिंग में, दो बज जाएगी। अभी एक घंटे का एजेंडा है। इनकी रिपोर्टिंग बोलना चाहता हूं गवर्नर साहब। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी रीजन और जोन चेयरमैन है जिन्होंने नए मेंबर्स बनाए हैं उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ओरिएंटेशन के लिए ध्यान दें और ओरिएंटेशन जरूर करा दें नए मेंबर्स का। अगर गवर्नर साहब की परमिशन हो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी। है ठीक है ये बस मैं वाला भी प्रोग्राम क्योंकि दीपक अग्रवाल जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां वो मेंबरशिप ग्रोथ की बात करते हैं वहां ओरिएंटेशन की भी बात करें, तभी रिटेंशन हो पाएगा। ठीक ठीक थैंक यू, थैंक यू। सुधा जी आगे बढ़ाइए, थोड़ा तेज तेज बढ़ाइए। मैं अब अनुरोध करूंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं आ चुकी हूँ। लाइन दीपक अग्रवाल पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से कि जीएमटी के जो इस समय प्रणेता है कृपया वो सामने आए और चंद बातें ज्ञानवर्धक हम लोगों को दें। लाइन दीपक अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। देखिए हम लोग सुधा जी को स्वर कोकिला करते रहे। सुधा जी को धन्यवाद और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एम सिस्टी महोदय, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, कैबिनेट मेंबर्स एंड हमारे जोन रीजन, बहुत खुशी की बात है ये तीसरी बार मुझे मौका मिल रहा है जीएमटी पर बात करने का। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, अभी ओरिएंटेशन की बात हो रही थी सुधीर जी ने कहा, ओरिएंटेशन तो तब होता है जब न्यू मेंबर बने। अगर न्यू मेंबर नहीं बन रहे हैं इस विषम परिस्थिति में, कोरोना महामारी में, फोटो नहीं आ रही है। खाना खा चल गए का दीपक भैया, क्या लंच पैकेट पहुंच चुका है लगता है, वही ले रहा है। खाना खाए चल गए, खाना खाए बल्ला जी, लंच पैकेट उनका पहुंचा है। ओनर साहब बोले तो लंच पैकेट आ गया ना, खाना खाने चला गया। नहीं नहीं कनेक्शन विड्रा हो जा रहा है कभी कभी बीच में, वो उसकी प्रॉब्लम है। और बार बार नए सदस्यों की बात की जाती है और कई बार बात की गई, पिछले दो बार मैंने अपील की, मैंने कहा कि आपके यहाँ जो लायन लेडी अगर मेंबर नहीं है आपके क्लब, उन लायन लेडी को मेंबर बना दें अभी इस समय में। अगर लायन लेडी आपके क्लब में मेंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जो भी अभी करीब करीब 2200 ऐसे लायन मेंबर हैं जिनकी हेलो सर आप बोले, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, फोटो भी नहीं आ रही है, चित्र भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है आवाज आ रही है। हाँ आ गया, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ आप भी आ गए, आवाज भी आ गई, आ रही है। हाँ नहीं, नहीं। मैंने बार बार ये बात कहा कि नए मेंबर्स आपको पढ़ाएं। तो अगर जोन और रीजन भी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें भी बहुत से जोन और रीजन अपने मेंबरशिप की कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, और जबकि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। दीपक भैया नहीं आ रही है,
सारी लाइन लेडी को लाइन बनाएंगे तो आवाज कहाँ से आएगी सर? बिल्कुल सही बात कर रहे दीदी, लिंक से कट गए हैं। सारे लाइन लेडी अगर हो जाएंगी तो आवाज कहाँ से आएगी सर? आगे बढ़े, सारों की आवाज बंद कर देंगे। नहीं नहीं, आपकी देखिए आवाज आ रही है ना, कितनी बुलंद आवाज है। थोड़ा धैर्य रखिए। हमारा कहना ये अभी नया क्लब खुला है, बहुत प्रयास के बाद किसी तरह एक नया क्लब खुला है, वो भी किसी क्लब से अलग होकर। अभी दीपक अग्रवाल जी उसके चार्टर प्रेसिडेंट बने हैं, और वीपी मारवा जी के प्रयास से एक नया क्लब लायंस क्लब इलाहाबाद मेन के द्वारा खोला गया है। पहले तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मारवा जी का, इलाहाबाद लायंस क्लब के मेन के प्रेसिडेंट और उनके पदाधिकारियों का। और 26 मेंबर से क्लब खुला है, 13+13, ये बड़ी खुशी की बात है कि फैमिली क्लब है और वो बधाई के पात्र है। अभी हमारे गवर्नर साहब ने कहा डिस्ट्रिक्ट ड्यूज जो नए मेंबर बनेंगे और जो नए क्लब खुलेंगे उनका हम डिस्ट्रिक्ट ड्यूज नहीं लेंगे। मेरी अपील है डिस्ट्रिक्ट ड्यूज के अतिरिक्त हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन भी यहाँ उपस्थित हैं, एमसीसी का भी ड्यूज अगर इस विषम परिस्थिति में अगर वो छोड़वा देते किसी तरह बात करके, 80 रुपया और प्लस अदर्स। कई उपाय पहले भी बताए हैं सदस्यता बढ़ाने के, और इस वर्ष अभी 31 दिसंबर तक जैसा बताया गया है ये नेट का है दिक्कत, और कोई दिक्कत इस वर्ष जैसा कि एंट्रेंस फी वेब है 31 दिसंबर तक। मेरी अपील है कि 31 दिसंबर के पहले आप अपने नए मेंबर को बना लें, और जो भी आपके इर्द गिर्द या जो अपने परिचित हैं उनको बना लें। क्लब रिकॉर्ड में भी मैंने बहुत भिन्नता देखी है, मैंने पहले भी कहा था कि किसी क्लब में 40 मेंबर हैं, उनके 20 इनरोल हैं या 25 इनरोल हैं, 22 इनरोल हैं, सब क्लब में ऐसा नहीं है, मगर कुछ क्लबों में ऐसा है कि उनके मेंबर्स कम हैं इनरोल। मेंबर को भी अब अगर आप सबको म्यूट कर दें भैया, तो जो उन मेंबर को भी आप बना करके क्लब में जो भिन्नता है उससे भी आप इस समय आप नया फैमिली क्लब भी खोल सकते हैं। नया फैमिली क्लब जैसे अभी एक खुला है, तो उस तरफ फैमिली क्लब खोलने में आपके ड्यूज दीपक भैया आपकी आवाज गायब। दीपक आवाज पता नहीं क्यों ठीक है, आवाज चली जा रही है सर। आप अगर आप अपने क्लब में नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फैमिली मेंबर से आप नया क्लब खोलें। लायंस लायंस कन्वर्जन में आपको छूट है, और उसमें भी आपको जो है ड्यूज आधा लगेगा, उससे भी आप लायंस को जो है अगर लायंस ना भी हो तो उसको हम लोग लायंस कन्वर्ट करके बना सकते हैं। लियो लायंस कन्वर्जन की हमारे लायंस इंटरनेशनल है, आप उससे भी नया मेंबर बना सकते हैं। और मैं स्टूडेंट मेंबर और कैंपस क्लब और स्पेशलिटी क्लब की बात करना चाहूंगा, मगर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलिटी क्लब नहीं खोल पा रहे हैं। एक तरह की सोच के व्यक्ति, एक तरह के बाने के व्यक्ति, एक बिरादरी के व्यक्ति या एक डॉक्टर प्रोफेसर वकील, वो भी एक साथ मिल करके भी क्लब खोल सकते हैं। और अपने क्लब में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्पेशलिटी क्लब कोऑर्डिनेटर अवश्य बनाएं, जो ये सर्च करें कि स्पेशलिटी क्लब कहाँ खुल सकते। समय तो ख्याल रखें तो मस्ट है, ओरिएंटेशन हम लोग को कराना चाहिए जितना जल्दी और अतिशीघ्र अपने मेंबर्स का। सही है, सब लोग उसको ध्यान देंगे। आगे बढ़ूं क्या सर? हेलो, आगे बढ़ूं क्या? हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लायन नरेंद्र मेहता जी सभागार में मैं अनुरोध करूंगी कृपया आए, जीएसटी के विषय में चंद शब्द ज्ञान के रूप में हमें दें। लायन नरेंद्र मेहता जी। धन्यवाद सुधा जी। हाँ सर। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आर के चौहान, डीजी टीम के अन्य सदस्य और डिस्ट्रिक्ट के
समस्त पदाधिकारी एवं क्लब के पदाधिकारीगण, मैं इसमें अधिक बात न करके मैं सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट के प्लान की तरफ आ रहा हूं, जिसमें हंगर पर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और गैट टीम ने मिलकर के प्लान किया है, उसमें हंगर में हमको साल में 10,000 पैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या 10,000 केजी अनाज ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिनको कि करने के लिए जो प्रपोज्ड प्लान है उसमें 1 प्रोग्राम पर क्लब पर मंथ ये हमारा लक्ष्य है। फूड पैकेट में 4 पर मेंबर इसका लक्ष्य हमने निर्धारित किया हुआ है। फूड ग्रेन अन्नदान के रूप में 5 केजी पर मंथ या पर 5 केजी पर मेंबर ये आता है, और फीडिंग के रूप में कम से कम 1 प्रोग्राम पर क्लब पर मंथ करने का हम लोगों का लक्ष्य है। एनवायरनमेंट पर रैली के रूप में पूरे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 रैली अवेयरनेस की हो। टी प्लांटेशन 6,000 जो कि एक एस्टीमेट आता है 80 पर क्लब का। सेव वाटर अवेयरनेस में 1 पर क्लब एक कोई प्रोजेक्ट किया जा सकता है। नो टू प्लास्टिक 2 पर क्लब और अवेयरनेस सेमिनार कंटेस्ट ये भी क्लब्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डायबिटीज के अंतर्गत अवेयरनेस सेमिनार 25 डिस्ट्रिक्ट में प्लान किए हैं, जिसमें कि कम से कम 1 प्रति जोन द्वारा किया जाना। स्क्रीनिंग कैंप्स, डायबिटीज स्क्रीनिंग कैंप्स 320 साल भर में जो कि 12 पर जोन ये निर्धारित हैं। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बुकलेट जो आपके डायबिटीज और हार्ट संबंधित उसके बारे में जो क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेने हैं कैसे करने हैं इसकी बुकलेट का टोटल साल भर में 2,000 डिस्ट्रीब्यूट करना। रन फॉर डायबिटीज का एक इंटरनेशनल का प्रोग्राम है जिसकी कि 1 पर रीजन रैली हम लोग प्लान कर रहे हैं। विजन स्क्रीनिंग में 2 पर क्लब मैक्सिमम 200 ऐसा सोच है। कैटारेक्ट ऑपरेशन मोतियाबिंद का 20 पर क्लब टोटल हम साल भर में 1500 का लक्ष्य रख रहे हैं। आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए 1 पर रीजन ये प्रोग्राम किया जा सकता है। पैंक्रियाटिक कैंसर में सेमिनार्स के रूप में 10 सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएं 1 पर रीजन और चेकअप कैंप पर रीजन 1। ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 1,000 यूनिट्स ऑफिस पोस्टर ये 1 पर क्लब। हमारे जो विभिन्न विभागों के डिस्ट्रिक्ट चेयर पर्सन है पर्यावरण के लिए सतीश टंडन जी ये बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, और गत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जो MD ने 1 multiple 1 project प्लान दिया था हम लोगों को चैलेंज दिया था, उसमें भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ने पूरा भाग लिया। हंगर के अंतर्गत संगीता अग्रवाल जी लगातार कार्यक्रम कर रही हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आपको बीच बीच में मिलती रहती है। डायबिटीज में मिथिलेश जी अग्रवाल ने प्रोग्राम शुरू किए हैं और अच्छी तरह से काम कर रही हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है जो कि पर वीक इलाहाबाद में वो डायबिटीज डिटेक्शन कैंप चला रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि डिस्ट्रिक्ट के अन्य शहरों में भी इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे। विजन पर संजय तिवारी जी ने स्क्रीनिंग और चेकअप कैंप प्रारंभ कर दिए हैं। चाइल्डहुड कैंसर में दिव्या जौहरी ने एक वीडियो बना करके अवेयरनेस क्रिएट किया है जो कि वो आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे। गैट के अंतर्गत पर्यावरण पर एक सेमिनार किया जाएगा और मेहता साहब अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट करें मेहता साहब। एनवायरनमेंट पर जो इस वीक में स्पेशल चैलेंज हम लोगों ने लिए थे उसमें 42 क्लब ने 133 एक्टिविटीज के साथ 2,350
ये वृक्षारोपण किए हैं, 2100 पौधे वितरण, अन्य विवरण जो है सतीश टंडन जी अपने रिपोर्ट्स में देंगे। जो विशेष है कि वसुधा इलाहाबाद प्रयागराज वसुधा ने पर्यावरण के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में भी लगातार काम किया है। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में जो विशेष बात को समझ में आई वह ज्ञानपुर का योगदान है, जिन्होंने कि लगातार आवश्यकता पड़ने पर उनके क्लब ने अवेयरनेस फैलाकर ब्लड डोनेशन कराया है। वाराणसी सिटी द्वारा मेंबर्स को इन्वॉल्वमेंट कर अपने अपने क्षेत्र में इन विषम परिस्थितियों में हर मेंबर ने कम से कम 5 फूड पैकेट्स या ग्रोसरीज वगैरह सब उपलब्ध कराई हैं। इस तरह से हम और भी